नमस्कार सभ्य कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। ये सुनकर तो जैसे सुशीला देवी के मन की मुराद पूरी हो गई थी। अभी भी उनका पोता उन पर पूरा विश्वास करता था। अब सुशील जी को पूरा विश्वास हो गया कि उनका पोता उनकी बात जरूर मानेगा और उनकी पसंद को तवज्जो देगा। संध्या का समय था, मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। सुशीला देवी ने कहा, जरा मैं बालकनी में बैठकर अपने बांके बिहारी की आरती सुनकर आता हूँ। आरती के स्वर कानों में गूंज रहे थे। सुशीला देवी ध्यान से आरती सुनने लगी। संध्या का समय आरती सुनना सुशीला देवी जी का रोग का नियम बन गया था। आज तो वो अपने मन की मुराद पूरी होने से भी उन्हें आरती सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। आरती सुनने के बाद सुशील जी ने अपने बच्चों के पास बैठ गई और जब सुशील जी आरती सुन रही थी तब तक नीलेश ने अपने ताऊ ताई जी को सारा घर दिखा दिया था। सर घर देखने के बाद कुसुम तो दंग रह गई। आखिरकार देवर जी ने इतना बड़ा घर खरीद ही लिया। सच में राजेश का यह वाला घर बहुत खूबसूरत था। दोनों पति पत्नी ने इस घर को अपनी पसंद से मिलजुल कर सजाया था। घर की साज सज्जा के साथ साथ बहुत ही घर खूबसूरत लग रहा था और सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। वैसे भी जो लोग फ्लैट और घरों में रहते हैं, छोटे घरों में उन्हें दूसरों के घर बड़े ही लगते हैं, या यहाँ तो राजेश का घर वास्तव में ही बहुत बड़ा था। कुसुम ने राजेश से कहा, देख लो तुम्हारे भाई ने तुमसे भी बड़ा घर लिया है और एक तुम थे जो छोटा सा घर लेने में भी आनाकानी कर रहे थे। इतनी मुश्किल से मैं घर बनाया है, मुझे ही पता है कितने पापड़ बेलने पड़े थे। मुझे उसे छोटे से फ्लैट को बनाने के लिए ये तो मेरा दिल ही जानता है। ये सुनकर ब्रजेश को गुस्सा आ गया। वो बोला, मैडम जी पति पत्नी देखो दोनों कब से नौकरी कर रहे हैं और जितने पैसे तुम्हें मिले थे ना उतने ही पैसे राजेश को भी मिले थे। दोनों ने थोड़ा सब्र करके रखा, अपनी मेहनत के पैसों से इतना बड़ा घर बनाया। अरे छोटे शहरों में भी अभी भी कम कीमत में बड़े घर मिल जाते हैं, बड़े शहरों में ज्यादा कीमत में छोटे ही घर मिलते हैं। ब्रजेश ने कहा, अगर तुम चाहती तो थोड़ा सब्र कर सकती थी और परिवार के साथ मिलकर रहती तो मैडम जी इसी शहर में तुम भी बड़ा घर बन सकती थी, पर तुम्हें सब्र कहाँ था। हमेशा ईर्ष्या और लालच ने तुम्हारा दिमाग खराब किया। कभी इन दोनों चीजों से बाहर आकर देखो कि दुनिया में क्या है। ये सुनने के बाद तो कुसुम चुप हो गई। नीलू अपनी स्कूटी लेकर अंदर आई। विमला ने बताया, दीदी बड़े भैया भाभी आए और अनिरुद्ध भी साथ आया। नीलू ने अपनी स्कूटी खड़ी की और मिलने के लिए अंदर चली गई। नीला ने भैया भाभी के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। अनिरुद्ध ने भी अपनी चाची को नमस्ते करके उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अनिरुद्ध बोल, चाचा जी अपने घर बहुत सुंदर बनाया है। सच में कितना बड़ा और खूबसूरत घर है आपका। नीलू बोली, बेटा जी आपका भी घर है। जैसे मेरे लिए नीलांश और नीलेश है वैसे मेरे लिए तुम दोनों भाई भी उतने ही प्यार हो। नीलू का दिल जो बहुत बड़ा था उसने कभी अपने बच्चों और जेठानी के बच्चों में भेदभाव नहीं किया था। ब्रजेश और कुसुम के आने से घर में एक चहल पहल हो गई थी। वैसे भी नीलांश के जाने से जो खालीपन महसूस हो रहा था, अनिरुद्ध के आने से वो पूरा हो गया था। सही बात है, बच्चे घर की रौनक होते हैं। बच्चों के आने से घर में खुशियां बढ़ जाते हैं। अगले दिन दादी ने अनुरुद्र से पूछा, मुझे किसी से मिलने जाना है, तुम मेरे साथ चलेगा। आज इसने निरुद्र को अपनी कर की चाबी देते हुए कहा, अब दादी पोते दोनों घूमने जाओ और जाकर घूम कर आओ। सुशीला देवी अपने पोते के साथ कर में बैठकर चल पड़ी। अनिरुद्ध ने पूछा, दादी किस तरफ जाना है, किसके घर मिलने जाना बता दो। दादी ने कहा, बस मंदिर में गाड़ी रोक देना, वहाँ मेरी सखी आई हुई है, उससे मिलना है। अनिरुद्ध ने कर मंदिर के बाहर पार्क में लगा और नॉर्मल दोनों जो मंदिर में जाने लगे। बैजंती ने अपनी सखी सुशील को आवाज दी कि मैं यहाँ सरोवर के पास हूँ, तुम भी यहीं आ जाओ।
वो जानती हूँ, वहाँ अकेली बैठी हुई थी। सुशील ने बैजंती को अपने पोते का परिचय करवाते हुए बोली, सखी यह मेरा बड़ा पोता अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध ने जो बैजंती को चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम किया, वो जानती अनिरुद्ध को देखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, खुश रहो बेटा। वो जानती ने कहा, मेरी पोती अभी जरा सी मंदिर में शिवलिंग के दर्शन करने गई है। सुशील जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम उसके आने का इंतजार करते हैं। अनिरुद्ध को अभी तक अपनी दादी की बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन वो समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। दादी अपनी सहेली से मिलने आई थी या मुझे किसी से मिलवाने के लिए साथ लेकर आई है? वो जानती ने अनिरुद्ध से उसके काम और उसकी शिक्षा के बारे में जानकारी ली। तभी सामने से बैजंती की पोती आती दिखाई। बैजंती बोली, वो आ रही है, देख लो। सुशीला देवी और अनिरुद्धों से दूर से आते हुए देख रहे थे। बैजंती की पोती को देखकर सुशीला देवी दूर से ही उसके सौंदर्य को निहारत हुए प्रसन्नता से भाव विभोर हो रही थी और उसकी पोती जो बहुत सुंदर थी। जल्दी जल्दी वो उनके करीब आ रही थी और भी पास में आकर और ज्यादा सुंदर लग रही थी। सुशील जी ने काफी वर्षों के बाद उसे देखा था, तब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। वो जानती ने अपनी पोती को जल्दी आने को बोला तो ये तेज कदमे कदमों से जो उधर आ रही थी। बैजंती बोली, सुशीला यह है मेरी पोती आरोही। आरोही ने बड़ी शिष्टाचार के साथ शीला सुशीला देवी के चरण छुए और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बैजंती बोली, आरोही यह मेरी सखी सुशीला का पोता अनिरुद्ध है। वो जानती ने हाथ आगे बढ़कर उसको हेलो बोल तो अनिरुद्ध तो उसके रंग रूप को देखकर हैरान रह गया। कोई इतना गोरा इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है जैसे कोई कश्मीर की लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। साफ रंग, मोटी मोटी आंखें बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर अनिरुद्ध दंग रह गया था। हेलो कहते उसने की नर्म हाथ का स्पर्श पाकर अनिरुद्ध माँ के भीतर एक सुखद अनुभूति भर गई थी। आरोही का चेहरा स्वाभिमान से भरा हुआ था, होठों पर मनमोहक मुस्कान थी। ऐसे लग रहा था कि उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही आवाज है और वो जीन्स और कुर्ती पहनी हुई थी और बहुत ही आकर्षक लग रही थी। वो जानती ने जो कहा कि यह मेरी पोती आरोही है, और आरोही ने भी बड़ी सहजता से अनिरुद्ध से कहा, आप कैसे हो? तो अनिरुद्ध उसके हाथ छुड़ाने का एकदम से उसे होश आया और बोला, सॉरी बोलते उसका हाथ छोड़ दिया। हेलो आरोही, कैसी हो तुम? अनिरुद्ध रिव्यू उससे पूछा। वे दोनों एक दूसरे का परिचय होने के बाद चारों ही सरोवर के पास बैठकर बात करने लगे। बैजंती ने तो अपनी पोती को सुशीला के पोते के बारे में बता दिया था, लेकिन सुशील ने अभी अपने पोते को बैजंती की पोती के बारे में नहीं बताया था। इसलिए अनिरुद्ध थोड़ा आशाएं महसूस कर रहा था, लेकिन आरोही बड़ी सहजता से सारी बातें कर रही थी। कुछ देर बाद सुशील और बैजंती दोनों ने बड़ी सहजता से कहा, तुम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लो और तुम दोनों एक दूसरे के बारे में जो जानना चाहते हो पूछ लो, हम दोनों सखियां तब तक वहां मंदिर के अंदर दर्शन करके आती हैं। तब तक तुम दोनों अच्छे से बात कर लो, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं है, हम तुम्हारे विभाग की बात तुम्हारे माता पिता से तभी करेंगे जब तुम अकेले में एक दूसरे को पसंद कर लोगे, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। अच्छा तो हम शिवलिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, तुम लोग बातें करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तभी बात आगे बढ़ेगी, किसी तरह का दबाव तुम लोगों पर नहीं होगा। सुशीला देवी तो मन ही मन खुश थी कि रिश्ता पक्का है, कारण अनिरुद्ध उसे लड़की को देखते ही दीवाना हो गया था और एनी रुद्र को भी लड़की बहुत पसंद आ गई थी। अनिरुद्ध और जो आरोही आपस में बातें कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में पूछ रही थी, एक दूसरे के स्वभाव, एक दूसरे की हॉबीज, पसंद ना पसंद सब पूछ रहे थे। सुशीला देवी और बैजंती दोनों सखियां अपने दोनों बच्चों के हाव भाव देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी।
दोनों सहेलियां जानती थी। आरोही और अनिरुद्ध जब एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे को जरूर पसंद करेंगे। वो जनजाति ने पूछा, सुशीला तुमने अपने पोते को मेरी पोती के बारे में क्यों नहीं बताया? तो सुशीला कहने लगी कि देखा भी जानती, तुम्हें शायद आजकल के लड़की लड़कों के बारे में जानकारी नहीं है। आजकल के लड़कियां लड़के जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, कितने बच्चे तो शहरों में लाइव इन में रहते हैं। बजंती नाराज होकर बोली, तुमने यह सही नहीं किया। सुशीला बोली, अरे सारी नाराज मत होइए, मैं अपने पोते से पहले ही पूछ लिया था, अगर उसे लड़की पसंद है कोई तो मुझे बता दे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, तुम जो पसंद करोगे वही मुझे पसंद आएगी, तो मैंने उसे इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं उसे बता देती तो शायद वो आनाकानी करता आने के साथ मेरे, इसलिए मैं उसे बिना बताए लेकर आई हूँ। आरोही से मिलवाने के लिए सुशील जी ने कहा, तुमने अनिरुद्ध का चेहरा नहीं देखा, आरोही को देखने के बाद कैसा खिल गया है, तुम्हारी पोती इतनी खूबसूरत है, उसे देखने के बाद कोई ना तो कर ही नहीं सकता। सुशील जी मुस्कुराते हुए बोली, कोई पागल ही होगा जो आरोही को देखने और मिलने के बाद शादी के लिए ना करे। लेकिन दूसरा कारण था मेरे पास अनिरुद्ध को ना बताने का, क्योंकि आरोही को देखने के बाद अनिरुद्ध जो उसकी आँखों से तो मैं देख लिया कि उसे आरोही पसंद है, लेकिन उसके माँ बाप को भी आरोही के बारे में मिलकर बातें करनी है, तब कहीं आगे बात बढ़ेगी। बैजंती बोली, चलो ठीक है, तुमने अपने पोते को अपनी आँखों के सामने परख लिया। दोनों सहेलियां धीरे धीरे से मंदिर पहुंच गई, शिवलिंग पर जल चढ़कर वहीं बैठकर बातें करने लगी। दोनों सहेली आज बहुत दिनों के बाद मिली थी और ऐसी मंदिर पहले सुशील जी के पहले बंगले के पास था, तो दोनों अक्सर मिल जाया करती थी, लेकिन जब से नए घर में शिफ्ट हुए थे इस मंदिर में आना सुशील जी ने छोड़ दिया था, इसलिए काफी दिनों बाद बजंती से मिली थी। बैजंती ने सुशील को इतने गंभीर सोच में डूबे हुए देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या सोच रही हो, इतनी चिंता नहीं करते, अगर दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो दूसरी जगह रिश्ता देख लेंगे, रिश्ता ना होने से हमारी दोस्ती थोड़ी ना टूट जाएगी, सुशीला देवी अपने आप को संभालते हुए कहने लगी। सही कह रही हो बैजंती, अगर रिश्ता होता है तो दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी, नहीं तो हम दोनों सहेलियां पहले की देसी ही रहेंगे, ये कहकर दोनों हंसने लगी। उधर अनिरुद्ध ने आरोही से पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो आरोही ने बताया कि मेरी दादी और कोई नहीं, ये कहकर आरोही चुप हो गई। अनिरुद्ध बोला, आरोही अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम सब कुछ अपने बारे में बताओ। तो आरोही ने बताया कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और पूना में काम करती है, वैसे ही वो बचपन से अपनी दादी के साथ रहती है और जब से उसकी नौकरी लगी है तब से वो पूना में अकेली रहती है। आरोही ने बताया कि उसके माता पिता उन जो उसे बचपन में ही जो गुजर गए थे, इसलिए दादी ने उसे पलपस कर बड़ा किया है और मेरी दादी ही मेरी सारी दुनिया है, मेरे रिश्तेदार तो बहुत हैं लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे मम्मी पापा दोनों सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, इसलिए दोनों की पेंशन से दादी और मेरा गुजारा आसानी से हो जाता था, गांव की जमीन से जो पैसे आते थे वह दादी और मेरी ने जो मेरी शिक्षा में लगाए और उनके बहुत मेहनत से, और उन्होंने मेरे पीछे बहुत अच्छी मेहनत की जिससे मैं इंजीनियर बन गई और उनका सपना मैंने पूरा किया। और आरोही ने जो कहा कि अनिरुद्ध तुम भी अपने बारे में मुझे कुछ बताओ, अनिरुद्ध बोल मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में है और मम्मी भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, परिवार में मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई अविनाश है, पहले भी हम अपनी दादी चाचा चाचा सभी के साथ इसी शहर में रहते थे, लेकिन जब मेरे पापा की पोस्टिंग हो गई तो हम मुंबई चले गए और वहीं बस गए, अब हमारा अपना घर वही है, हम दोनों भाइयों ने वहीं से ग्रेजुएशन की है, तो मैं ये जानकर खुशी होगी, यह मैं भी पुणे में रहता हूँ,
और मेरा छोटा भाई बैंगलोर में रहता है और मम्मी पापा मुंबई में रहते हैं। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तुमसे मुलाकात होती रहेगी अब, लेकिन हम दोनों एक ही शहर में रहते कितनी अजीब बात है, ना एक ही शहर में रहते हुए हमारा कभी एक दूसरे से सामना नहीं हुआ। आरोही ने मुस्कुराते हुए, अक्सर ऐसा होता है। कुछ देर के लिए दोनों शांत बैठे थे, तभी शाम की समय था। सूरज धीरे धीरे छुप रहा था और आकाश में भी तारे चमकते लगे थे, तो मंदिर में जो आरती की घंटियां बजने लगी थी, आरती की मधुर आवाज दोनों को सुनाई दे रही थी। मंदिर की धूप दीप की सुगंध से पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा था। कुछ देर बाद आरोही बोली, अनिरुद्ध मुझे लगता है दादी आरती में शामिल हो गई है, इसलिए उन्हें आने में देर हो रही है। अनिरुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, हम तब तक और बातें कर लेते हैं एक दूसरे के बारे में और जान लेते हैं। अनिरुद्ध ने पहल करते हुए कहा, आरोही मुझे तुम पसंद हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। अनिरुद्ध अपने मनोभावों को एक ही सांस में बोलता चला गया, बिना ये जाने कि आरोही ने उसे पसंद किया है या नहीं। आरोही के बिना राय जाने उसने अपने मन की बात आरोही से कह दी। आरोही को चुप देखकर रुद्र घबराते हुए बोला, देखो आरोही, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम ना कह सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम दादी या दादी के दबाव में आकर मुझे पसंद करो, क्योंकि ये हमें सारी उम्र साथ रहना है, क्योंकि ये कुछ पलों का साथ तो होता नहीं है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो तो तुम मुझे बिना झिझक के बता सकती हो। आरोही रुद्र की सोच बुझ और उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई। आरोही ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी, यानी रुद्र तुम्हारे साथ गुजरा वक्त मेरे लिए जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा है। ये कहकर आरोही चुप हो गई। अनिरुद्ध ने कहा, मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ। आरोही ने मुस्कुरा कर सिर हिला दिया। आरती समाप्त हो गई थी और दोनों सखियां भी उनके पास आ गई थी। दोनों सखियां उनके पास आकर बैठ गई। सुशील जी ने दोनों को प्रसाद दिया और पूछा, तुम दोनों अपने विचार हमें भी बता दो, आखिर ने क्या फैसला लिया है। आरोही तो चुप रही, लेकिन अनिरुद्ध जल्दी से बढ़ा, दादी मुझे तो आपकी पसंद पर नाज है। मुझे तो पहले पता था कि आप मेरे लिए सबसे अनमोल हीरा ढूंढ कर लाएंगी। आरोही ने जो अपने जीवन साथी के रूप में पाकर मैं खुद को खुशनसीब समझूंगा। थैंक यू दादी, शायद मैं भी अपने लिए इतना अच्छा जीवन साथी नहीं चुन सकता था। आरोही को चुप देखकर सुशीला देवी ने पूछा, आरोही तुम भी अपने मन की बात बता दो। ये सुनकर आरोही अपनी दादी के थोड़ा और करीब होते हुए बोली, दादी के कान में धीरे से, मुझे अनिरुद्ध पसंद है। बैजंती ने कहा, मेरी पोती थोड़ी शर्मीली है और वो कह रही है कि उसे भी अनिरुद्ध पसंद है। ये सुनकर सुशीला देवी ने दोनों को अपने गले लगा लिया और बोली, तुम दोनों बच्चों ने तो हम दोनों सहेलियों को दोस्ती से रिश्तेदारी में बदल दिया है। अब हम रिश्तेदार हो बन जाएंगे और हम दोनों आज बहुत खुश हैं। सुशीला देवी ने कहा, बैंती तुम्हारे यहाँ तो सारे फैसले तुझे ही लेने होते हैं, लेकिन मेरे घर में बाकी के कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी मुझे पूछना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े बेटे ब्रिजेश और उसकी बहू कुसुम से बात करूंगी। बैजंती वैसे तो कोई से रिश्ते के खिलाफ नहीं है और ना ही कोई मन करेगा और ना ही परिवार में कोई मेरी बात कटेगा, लेकिन फिर भी एक बार आरोही को देखने अपने परिवार के साथ तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। तुम कोई दिन निश्चित करके मुझे फोन कर देना, हम रिश्ते की बात आगे बढ़ते हैं। सुशील जी बोली, वे जानती तुमने बड़ा शुभ दिन चुना है। इन दोनों की मुलाकात के लिए देखो, जमीन पर चांद और आसमान में भी चंद दोनों खूबसूरत लग रहे हैं। ये सुनकर आरोही शर्माते हुए अपनी दादी के पीछे हो गई। सुशीला देवी ने कहा, बजंती आज तो बहुत देर हो गई है,
घर पर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब हमें इजाज़त दो और मिलने का कोई दिन निश्चित करके फोन कर देना। फिर हम एक दिन तुम्हारे घर जाकर छोटी सी रस्म कर देंगे। बजंती ने कहा, ठीक है, दोनों सही लिया गले मिलकर अपने घर की जो चल दी। सुशीला देवी ने एन रुद्र से पूछा, तुम्हें सच में आरोही पसंद है ना किसी बात का दबाव में आकर तो तुम यह फैसला नहीं कर रहे हो? कहीं तुम मेरे दवा में आकर लड़की पसंद कर रहे हो? अनिरुद्ध मीठी सी मुस्कान के साथ बोला, दादी आपका ये दबाव, आप जो मुझ पर दबाव भी डालेंगे तो भी मुझे पसंद है। अगर आप दबाव नहीं डालते तो इतनी खूबसूरत समझदार लड़की मेरे हाथ से निकल जाती और न जाने मेरी शादी के इस पागल झल्ली लड़की से हो जाती। आपके दबाव में मुझे बचा लिया। दादी थैंक यू दादी, और यह सुनकर सुशील जी हंसने लगी। नीर बोल, बस दादी एक गलती हो गई, मैं आरोही का नंबर नहीं लिया। आपको पता है रे दादी, आरोही मेरे शहर पुणे में रहती है। दादी बोली, मुझे तो नहीं पता था। चलो ये भी अच्छा हुआ, शादी के बाद दोनों को सेटल होने में कोई परेशानी नहीं होगी। अनिरुद्ध बोल, दादी अभी से शादी के सपने भी सजा रही हो। अभी तो मम्मी को भी मानना पड़ेगा, शायद आप भूल रही हैं कि वो लेन देन में कितना विश्वास करती हैं, और सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है आरोही के माता पिता नहीं है, उसके भाई का भी नहीं होना है। अनिरुद्ध बोल, पता नहीं ये सब जानने के बाद मम्मी कैसा रिएक्ट करेंगी। प्लीज दादी आप सबको संभाल लेना, मुझे आरोही बहुत पसंद है। सुशील जी बोली, जिस तरह से तू मुझसे बिना डरे बातें कर रहा है, ऐसे ही बिना डरे अपनी माँ से भी बात किया कर, इतना बड़ा हो गया है, इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी लग कर रहा है, फिर भी बच्चों की तरह डरता है। सुशील जी अनिरुद्ध को समझाते हुए बोली, हमें हमेशा सही और गलत कई चीज का चुनाव करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका फैसला सही है तो आप उसे पर अटल रहो और घबरा मत बेटा। अभी मैं जिंदा हूँ, अपने पोते की इच्छा पूरी करने के लिए तेरी माँ को तो समझ ही सकती हूँ। अनिरुद्ध बोला, ये हुई ना बात, मेरी प्यारी मदर इंडिया सुशीला देवी अपने घर पहुँच चुकी थी। कर से उतरते हुए बोली, आरोही का नंबर भी तुम्हें दे दूंगी। अनिरुद्ध, वो मेरे पास है। अनिरुद्ध बोल, दादी या तो आपने बहुत अच्छा किया, और सच में आप जैसी दादी मिलना मुश्किल है। सुशील जी ने कहा, चल ठीक है, ज्यादा मक्खन मत लगा, चल अंदर चल, अभी तेरी माँ को भी जवाब देना कि इतनी देर तक तुझे लेकर कहाँ घूम रही थी। सुशील जी जैसे ही घर के अंदर आई, तभी कुसुम बोली, अरे मम्मी जी अपने पोते के साथ कहाँ गायब हो गई थी? ऐसी कौन सी सहेली थी जिससे मिलने चली गई जो इतनी देर हो गई? सुशील जी थोड़े सख्त लहजे में कहने लगी, बैजंती से मिलने गई थी और अपने पोते को किसी से मिलवाने लेकर गई थी, तो मैं कोई ऐतराज है तो बताओ, क्या मैं अकेले कहीं ये जान ही सकती, और मैं कौन सा छोटी बच्ची हूँ जो कहीं जाती हूँ तो अपने अकेली नहीं जा सकती या अपने पोते के साथ गई थी? अकेली तो मैं कहीं गई नहीं थी। कुसुम बात को संभालते हुए बोली, मम्मी जी मैं तो वैसे ही आपसे पूछ रही थी, रात हो गई थी ना, कल हमें वापस भी जाना है। सुशीला देवी ने सभी को साथ बैठकर उनकी बात सुनने के लिए कहा। सुशील जी बोली, मैंने अपने पोते अनिरुद्ध के लिए अपनी सखी बैजंती की बेटी आरोही को पसंद किया है। ये सुनकर नीलू और राजेश ने माँ को बधाई देते हुए कहा, माँ आपकी पसंद हमारी पसंद, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बाकी भैया भाभी को शायद कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि वो भी बैजंती आंटी की पोती आरोही को अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ही संस्कारी, गुणवान और पढ़ी लिखी लड़की है। रूप रंग और कद काठी में भी एनी रुद्र के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। दोनों की जोड़ी बहुत शानदार लगी। कुसुम बोली, आरोही वही लड़की है ना, इसके माता पिता का देहांत हो चुका है जो अपनी दादी के साथ रहती है। जहाँ तक मुझे याद है उसका कोई भाई बहन भी नहीं है। सुशील जी थोड़े रूखे स्वभाव में कहने लगी, हाँ कुसुम भाई बहू वही आरोही है। शीला जी बोली,
लेकिन कुसुम लड़की बहुत अच्छी है, सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है। सबसे बड़ी बात अनिरुद्ध को भी पसंद है। कुसुम कुछ बोलते उससे पहले ब्रजेश ने कहा, माँ जो आपकी पसंद है वो हमें भी पसंद है और आप अनिरुद्ध के लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे। हम दोनों से अच्छा आप उसे जानती हैं। उसकी पसंद ना पसंद सब आपको हम दोनों से ज्यादा पता है, इसलिए हम दोनों को कोई इतराज नहीं है। कुसुम को आरोही मनी मन बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन वैसे सबकी पसंद करने के बाद खुद कैसे ना पसंद करती। पहली बार कुसुम चुप रह गई, नहीं तो वो हर बात पर हमेशा हंगामा करती थी, क्योंकि आज बात उसके बेटे की पसंद की थी और अपने बेटे की पसंद के आगे तो उसे झुकना ही था। सबकी रजामंदी होने के बाद सुशील जी ने कहा, एक दिन हम बंती के घर जाकर आरोही को देखने चलेंगे और छोटी सी रस्म अदा करके रिश्ता पक्का कर देंगे। ब्रजेश ने कहा, माँ हमें तो कल जाना है, वो भी रात की फ्लाइट है, क्यों ना कल दोपहर में ही आप ये काम निपटा दे। अनिरुद्ध की भी जो शादी के लायक हो गया है, लड़की भी उसकी पसंद की मिल गई है, तो फिर देर किस बात की है, कल जाकर हम लोग रिश्ता पक्का कर देंगे। तभी राजेश बोल, सच में नीलू तुम्हारी सहेली प्रभा सही कह रही थी, ये घर हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है, एनी रुद्र का रिश्ता भी इसी घर में पक्का हो गया। राजेश बोल, बड़े भैया ब्रजेश प्लीज आप अनिरुद्ध की शादी इसी घर में करना, हम जब से इस घर में आए खुशियां ही देख रहे हैं, मम्मी यहां आकर पूरी तरह ठीक हो गई है, नीलांश ने इस घर में रहकर पढ़ाई की और अपने अच्छे नंबरों से पास हुआ, उसका कि मैं एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर हो गया, और अब अनिरुद्ध की शादी भी अगर ऐसे ही इस घर में होगी तो हमारी खुशी को तो चार चांद लग जाएंगे। राजेश बोल, सारा परिवार एक बार फिर इकट्ठा होकर एक साथ खुशियां मनाएगा, कितना आनंद आएगा, सभी इस रिश्ते से खुश थे शिवाय कुसुम के। कुसुम को तो इसलिए बुरा लग रहा था कि उसके बेटे की शादी एक अनाथ लड़की से की जा रही है, ना माता ना पिता जो दामाद के रूप में अनिरुद्ध को प्यार और स्नेह दे सके। लड़की की माँ अपने दामाद को कितना प्यार करती है, अपने दामाद के कितने नखरे उठाती है, मेरा बेटा तो उसे प्यार से वंचित रह जाएगा, मुझे कभी भी उसे मेरे बेटे को ससुर का प्यार या आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ना ही आरोही की कोई बहन है, ना ही कोई भाई जीजा, और साल का रिश्ता कितना करीब ही रिश्ता होता है, मेरा बेटा कभी समझ ही नहीं पाएगा, अपनी ससुराल में वो आरोही की तरह अकेला ही होगा। कुसुम के दिमाग में हजार सवाल चल रहे थे, कौन मेरे बेटे की विवाह में रेवन कटाई का शौक पूरा करेगा, कौन जूते छिपकर शगुन मांगने की नोकझोंक करेगा, मेरे बेटे के विवाह में छोटे छोटे रीति रिवाज भी नहीं निभाए जाएंगे, उसकी शादी में सभी रीति रिवाज कितने अधूरे अधूरे होंगे, और मेरा बेटा अधूरे परिवार के साथ जीवन भर अधूरे रिश्तों में बंद कर रह जाएगा। कुसुम के मुताबिक ये रिश्ता अनिरुद्ध के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन ब्रजेश ने माँ की पसंद को तवज्जो देते हुए अपनी सहमति जताते हुए इस रास्ते को जो पसंद कर लिया था, उधर नीलू और राजेश ने भी हाँ कर दी थी, तो कुसुम बेचारी क्या करती, मजबूरी में उसे ये रिश्ता स्वीकार करना पड़ा। कई बार इंसान सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचने लगता है, दूसरे के दुख को समझ नहीं पता, जैसे सुशील जी आरोही को अपनाकर उसे अपने परिवार का सुख देना चाहती थी, क्योंकि बचपन से ही सुशीला देवी के भरे पूरे परिवार को देखकर आरोही खुश होती थी। वो जब भी अपनी दादी के साथ सुशील जी के यहाँ आती तो इतने बड़े परिवार को देखकर यही कहती, काश मेरा परिवार भी ऐसा होता, काश मेरे भी चाचा चाचा ताऊ ताई जी होते। कभी कभी आरोही दादी के गले लगकर रोने लगती, कुछ नहीं तो ईश्वर उसे एक छोटा भाई या बहन ही दे देता जिसे अपना कह सकती थी। उसके मनोभावों से उसकी दादी बैजंती भली भांति परिचित थी और वह अक्सर अपनी सहेली सुशीला से आरोही की बातें बताया करती थी। वो जानती, कई बार सुशीला से कहती, काश आरोही की ससुराल में भरा पूरा परिवार मिल जाए, मेरी पोती हमेशा अकेलेपन का सामना करती आई है,
उसे जीवन में अकेलापन ना मिले। सुशील जी कहती बैजंती, तू चिंता मत कर, तुम देखना आरोही को कुछ ही बहुत ही अच्छा परिवार मिलेगा, क्योंकि आरोही बहुत सुंदर और स्वभाव की अच्छी है। ईश्वर ने उसके साथ पहले ही बहुत अन्याय किया है, अब और नहीं करेंगे, इस बार इतने कठोर नहीं हो सकते। बचपन से यह आरोही ने बहुत कष्ट सही है, सुशील बोली। इतनी छोटी उम्र में उसने अपने माता पिता को खो दिया कि खोने का सदमा उसे बच्ची ने बर्दाश्त किया है। उसके बावजूद भी वो अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया, अच्छी सकारात्मक सोच के साथ जीवन में सफलता हासिल की है। आरोही बहुत मजबूत और संघर्षशील लड़की है, उसने सब कुछ अपने बलबूते पर हासिल किया है। वो बहुत ही संघर्षशील लड़की है, उसने अपने ही संघर्ष और बलबूते पर ही इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और इतना ही नहीं कंपनी में काम कर रही है। बैजंती तुम्हारे लिए तो ये खुशी की बात, सुशील जी ने कहा। इतने बुरे हालात में भी उसने खुद को बिखरने नहीं दिया, खुद के साथ साथ तुम्हारी भी हिम्मत बनाए रखने में कामयाब रही बैजंती, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। अपनी सखी की बातें सुनने के बाद बैजंती को काफी संतोष होता था कि सच में ईश्वर ने उसको आरोही के लिए कोई अच्छा सा राजकुमार बनाया होगा। आरोही को हमेशा खुश रखेगा, उसके सुख दुख में उसका साथ निभाएगा, उसके अकेलेपन को हमेशा के लिए दूर कर देगा। भाग्य तो खुद ईश्वर लिखते हैं, पिछले कर्मों के अनुसार भाग लिखते हैं। जरूर पिछले कर्मों में कुछ इंसान ऐसा करता है कि उसे दुख मिलता है, फिर उसे जब उसके अच्छे कर्म भगवान देखने हैं तो उसे सुख मिलता है। लेकिन कुसुम को लग रहा था कि आरोही मनहूस लड़की है। जब आरोही का जन्म हुआ था उसके बाद दोबारा उसकी माँ को माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिला। जैसे थोड़ी और बड़ी हुई तो माता पिता को खो दिया और आप देखते ही देखते परिवार में वो अकेली रह गई। उसकी दादी भी बुढ़ापे में कितने दिन की मेहमान है, आज मारे कल दूसरा दिन बुजुर्गों को था। ऐसा ही होता है, कब प्राण पखेरु उड़ जाए पता नहीं चलता। इसलिए कुसुम को ये रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। वो तो शुरू से आरोही को बदनसीब और मनहूस मानती आई थी। उसने तो कभी काव में भी नहीं सोचा था कि उसके बेटे का रिश्ता उसे मनहूस लड़की के साथ तय होगा। लेकिन कहते हैं ना, होता वही है जो राम रची राखा ईश्वर ने हमारे लिए सोचा होता है, वो हमारे साथ ही होता है। जैसे इतनी तीखी कड़वी कुसुम अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि पुत्र मोह में वो बंधी हुई थी, अपनी बेटी की खुशी का विरोध करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन दोपहर को सारे परिवार के साथ सुशीला देवी अपनी सहेली बैजंती के यहाँ रिश्ते की बात पक्की करने चली गई। कुसुम ने आरोही को बहुत सालों बाद देखा, मुंबई शिफ्ट होने से बाद उसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन आज उसे देखकर वो हैरान रह गई। इतनी खूबसूरत लड़की, दूधसा सफेद रंग, नीलिमा लिए हुए बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखें, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और कुसुम सोच रही थी, आरोही पहले तो इतनी खूबसूरत नहीं थी, कम को समझते देर नहीं लगी कि उसका बेटा आरोही के रूप पर फिदा हो गया है। आरोही से मिलने के बाद कुसुम को भी अच्छा लग रहा था, बस वह इकलौती है और परिवार के नाम पर ले देकर उसके पास सिर्फ एक दादी है। यही बात उसको थोड़ी खटक रही थी, लेकिन आरोही से मिलने के बाद कुसुम को भी सासू माँ की पसंद पड़ने हो रहा था। उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आरोही का मायके नहीं है तो क्या हुआ, अच्छा है, सारी जिंदगी हमारी बनकर रहेगी। बार बार मायके आने जाने का झंझट खत्म, कुसुम ने सोचा जो होता है अच्छे के लिए होता है। सुशीला देवी ने कुसुम को आरोही को शगुन देने के लिए कहा। दोनों बहू मिलकर आरोही और अनिरुद्ध को तिलक लगाकर शगुन दे रही थी। बैजंती ने भी अनिरुद्ध को शगुन देकर अपनी तरफ से रिश्ता पक्का कर दिया। नीलू ने बड़ी सुंदर सी अंगूठी निकालकर अनिरुद्ध को दी और आरोही को पहनने के लिए कहा। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनकर अपना जीवन साथी बना लिया। उसके बाद नीला ने सभी का मुंह मीठा करवाया। आरोही
और अनुद्र ने सुशीला देवी और बैजंती दोनों के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। उसके बाद ब्रजेश्वर कम के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। राजेश उन दोनों को देखकर अपने तिलक के दिन की याद कर रहा था कि नीलू भी ऐसी शर्माते हुए चुपचाप सर झुकाए बैठी थी जैसे आरोही बैठी है। आरोही भी नीला की तरह साधारण कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही है। जैसे अनिरुद्ध और आरोही ने राजेश के चरण छुए, राजेश यादव से बाहर निकाला और दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देने लगा। वो जानती ने उन दोनों के लिए बड़े प्यार से खाने का इंतजाम किया था। खाने में अधिकतर व्यंजन आरोही ने तैयार किए थे। आरोही के हाथ का खाना खाकर सभी खुश हो गए क्योंकि खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनता। नीलू मजाक के अंदाज में बोली, अनिरुद्ध तुम्हें स्वादिष्ट खाना खाने का शौक है और लगता आरोही को अच्छा खाना बनाने का शौक है, तुम दोनों की खूब जमेगी। ये सुनकर आरोही ने शर्माते हुए कहा, चाचा जी मुझे सच में खाना बनाना बहुत पसंद है। नई नई चीजों को बनाना, नई नई रेसिपीज सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजेश ने कहा, चलो अच्छा है। इस बहाने बड़े भैया ब्रजेश को भी रोज रोज नई नई भोजन चखने को मिल जाएंगे। तभी कुसुम तीखे स्वर में बोली, देवर जी तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे भैया को स्वादिष्ट खाना नहीं खिलाता हूँ? मैं राजेश ने कहा, भाभी मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पता है आप भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तभी तो भैया इतने अच्छे सेहत है। ये सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खाने के बाद आरोही ने सभी के लिए आइसक्रीम परोस दी। कुछ देर बाद सुशील ने बैजंती से जाने की इजाजत ली। बैजंती ने मुस्कुराकर कहा, अरे सखी अब तो तुम मेरी सहेली के साथ साथ मेरी समाधान बन गई हो, अब तो तुम आदेश दिया करो, इजाजत मत मांगा करो। आखिर हम लड़की वाले सुशीला देवी ने कहा, हम दोनों सबसे पहले पक्की सही हलिया है, उसके बाद रिश्तेदार, तुम मेरे लिए सदैव मेरी सहेली ही रहोगी, दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। अपनी सखी की इतनी अच्छी सोच पर बैजंती को गर्व महसूस हो रहा था। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दे रही थी। वो जानती बोली, सखी तुम्हारा यह एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी, तुमने मेरी पोती के लिए जो किया है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। सुशील ने कहा, इसमें कोई एहसान की बात नहीं है, तुम्हारी पोती बहुत ही सुशील और समझदार है, आजकल लड़का लड़की एक बराबर है। बैजंती के घर से वापस आकर जो वो बहुत ही खुश थे और पोते की शादी की तैयारी में लग गए। अनिरुद्ध ने अपनी दादी से आरोही का नंबर ले लिया था। अनिरुद्ध मन ही मन खुश हो रहा था कि वो जाने से पहले एक बार आरोही से फोन पर बात कर ले, लेकिन समय ही नहीं मिला क्योंकि मुंबई वापस आने की तैयारी भी करनी थी। रात की फ्लाइट थी, सो जाकर पैकिंग करने में इशारा समय निकल गया, इसलिए अनिरुद्ध ने सोचा घर पहुंचकर आराम से बात करूंगा। घर पहुंचकर कुसुम ने सबसे पहले अपनी भाभी को फोन मिलाया और सारी बात बता दी। उसके भाभी ने बधाई देते हुए कहा, दीदी आपके तो सारे काम आसानी से हो गए, अब देखो बेटे की शादी भी जो बिना कुछ रुकावट के हो जाएगी, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, हींग लगे ना फिटकरी, और रंग बच्चों का आपको तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सारे काम आकर आपके देवर और रानी और सासू माँ संभाल लेंगे। आपको पता है घर में पहले शादी है कितना काम फैल जाता है, ब्याह करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, दीदी और घर में कितने कम फैल जाते हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ कपड़े लेकर अपने ससुराल लाना है और शादी करके अपने घर वापस चली जाना है। कुसुम की भाभी बोली, दीदी इसे ही कहते हैं एक तीर से डोड़ निशाने साधना, अपने बड़े बेटे की शादी अपनी ससुराल में आकर करने से आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही और सभी रिश्तेदारों को इस विवाह में शामिल होने का अवसर मिल जाएगा, आपकी तो हर तरफ प्रशंसा होगी। अलग होने पर भी उसने अपनी बेटे का विवाह देखो अपनी सास और देवरानी के साथ मिलकर किया है। दीदी वैसे भी इतनी दूर मुंबई में तो कितने मेहमान आ पाएंगे,
कौन कौन फ्लाइट बुक करके आपके पास आएगा। इतनी महंगी टिकट खरीद कर आना सभी के लिए मुमकिन नहीं है और आपके लिए भी सभी मेहमानों को छोटे से फ्लैट में रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। छोटे से घर से शादी करना आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता। आपको तो कैसे ना कैसे करके बड़ा बैंक्वेट हॉल बुक करना पड़ता और मेहमानों के ठहरने का प्रबंध होटल में करना पड़ता। दीदी जरा सोचिए आपका कितना खर्चा बढ़ जाता। दीदी आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो अनिरुद्ध की शादी का सारा काम आपके देवर जी ने अपने घर पर करने के लिए कहा। आप तो सारे झंझटों से बच गई। दीदी खुशी खुशी आई है और अपने बेटे का विवाह करके जाइए। ये सारी बात सुनने के बाद कुसुम मनी मन खुश हो रही थी। उसने तो ये सब सोच ही नहीं था। सही बात है, सारा काम बढ़िया आसानी से मिलजुल कर हो जाएगा। यहाँ तो मुझे अकेले करना पड़ता, किसी को बुलाती तो उसकी जिम्मेदारी भी संभालती पड़ती। मेरी भाभी सही कह रही है, मैं सच में भाग्यशाली ही हूँ। कुछ अपने मन में प्रार्थना की है, भगवान मेरी बहू को भी भाग्यशाली बनाना, पता नहीं उसे लेकर मेरे मन में दुविधा बनी रहती है। कुसुम की भाभी ने अपनी जो ननंद को बधाइयां देते हुए कहा कि बढ़िया कुसुम दीदी, आपके बेटे की विवाह की और फिर कम की मम्मी ने भी अपने नाती अनिरुद्ध का रिश्ता तय होने के लिए अपनी बेटी को बधाई दी। कुसुम की माँ ने भी कुसुम को बधाइयां दी और अपने नाती को भी आशीर्वाद दिया। नीलू आज मिठाई का डिब्बा लेकर अपने पीहर आई थी। वहाँ जाकर उसने अपनी जेठानी के बड़े बेटे के रिश्ता तय होने की खुशखबरी सुनाई और सभी का मुंह मीठा कराया। श्याम बाबू और सरस्वती ने भी बधाइयां दी। नील बैठकर चाय पी रही थी, तभी भागते हुए भाग्य लक्ष्मी आई और उसे दौड़ते भागते देखकर नीलू को बहुत अच्छा लग रहा था। नीलू ने उसे गोद में उठाकर प्यार किया, वो भी हुआ हुआ करती हुई गोदी में चढ़ गई। नीलू ने उसकी गोद से उतरते हुए कहा, अरे भाग्य लक्ष्मी, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें गोदी में अब नहीं उठा सकती हूँ, तुम्हें गला लगाकर प्यार कर सकती हूँ। भाग्य लक्ष्मी ने जल्दी से अपनी बुआ के गालों पर प्यार करते हुए कहा, आप मेरी सबसे प्यारी बुआ जी हो। नीलू ने भाग्य लक्ष्मी को एक चॉकलेट निकाल कर दी, जिसे दिखाते हुए कहने लगी, मैं अपनी मम्मी विद्या के पास चली जा रही हूँ, उन्हें दिखाती हूँ। विद्या ने दीदी को देखकर चरण स्पर्श किए और उनका हालचाल पूछा और पूछने लगी, दीदी नीलांश और नीलेश कैसे हैं? नीलांश का कॉलेज ठीक चल रहा है, उनका कानपुर में मन लगा कि नहीं? नीलू ने कहा, विद्या उसे गए तो पूरा एक साल बीत गया, अब तो मन लगाना ही था और उसका मन हुआ लग गया है। उसके दो सेमेस्टर पूरे हो चुके हैं और नीलेश दसवीं की तैयारी कर रहा है, आजकल कोचिंग में व्यस्त रहता है, इसी कारण तुम्हारे पास आने का समय नहीं मिलता। नीलू ने कहा, विद्या आप पढ़ाई पहले जैसी नहीं रह गई है, अब पढ़ाई लिखाई में बहुत बदलाव आ गया है तो बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं अच्छे नंबर आते हैं। विद्या बोली, दीदी आप सही कह रही हो, सच में अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आपके भैया की ऑफिस में छोटी छोटी सी नौकरी के लिए भी इतने आवेदन आए हैं कि कई, तो आपके भैया हैरान हो जाते हैं कि कितने लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और वैकेंसी कितनी कम होती है। कई बार तो पढ़े लिखे बच्चों को भी नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी की कमी होने की वजह से कई युवा परेशान हो रहे हैं। तभी हारी भी कमरे में आया और नीलू को देखकर उसने नीलू से नमस्ते की और वहीं पर बैठ गया। नीलू ने उससे पूछा, हरी अब तुम्हारा काम सही चल रहा है क्या, और तुम्हारा यहाँ इस घर में मन भी लग रहा है कि नहीं? हरी बोल, दीदी काम तो ठीक ठाक ही चल रहा है, कुछ ज्यादा ही बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ काम ज्यादा करना पड़ता है, मालिक तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा और दीदी किराए के मकान से अच्छा है और इसमें क्या बुरा है, अपना घर तो अपना ही होता है और किराए का मकान किराए का ही होता है।
नीलू बोली, सही कह रहे हो, लेकिन देखो अगर तुमने आज जमीन संभाल कर रखी होती तो मम्मी पापा वहाँ जाकर मकान बनाकर रह सकते थे। लेकिन तुम्हारी छोटी सी गलती नहीं, सभी को किराए के घर में लाकर खड़ा कर दिया। नीलू ने कहा, इस गलती का सुधार भी नहीं है क्योंकि जब तक चंचल का पता नहीं चला हम कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते। क्या पता भाई, अब तक तो चंचल मेरे सारे पैसे भी उड़ा चुके हो। हरी गुस्से में बोला, पर दी नहीं दीदी, वो तो इतने सारे पैसे लेकर गई थी। वो तो माँ बेटी दोनों मजे से रह रही हैं और आराम की जिंदगी की रही होगी। मैं ही बेवकूफ निकला जो चंचल पर आग बंद करके भरोसा कर लिया। खैर अब तो बहुत समय गुजर गया और अब वो सारी बातें भूल चुका हूँ और मैंने अपना कर्ज भी धीरे धीरे उतार दिया है। हरी सर झुकाए सारी बातें कह रहा था और मन ही मन अपनी गलती पर पछतावा कर रहा था। तभी नीलू ने मस्त सरस्वती से पूछा, पापा कहाँ गए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। अरे पापा से कहो ना, अब तो रिटायर हो गए हैं, अब तो कम से कम घर पर आराम से बैठा करें। सरस्वती ने कहा, बेटा आराम से कैसे बैठ सकते हैं, घर गृहस्थी है तो खर्चा भी है, खर्चों को पूरा करने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। वैसे भी खाली बैठे तेरे पापा का मन नहीं लगता, इसलिए उन्होंने अपने कपड़े की दुकान में काम देख लिया है और वह बैठे बैठे लोगों को कपड़े दिखाते रहते हैं। ग्राहकों से बातें करके उनका टाइम भी पास हो जाता है और दो पैसे भी घर में आ जाते हैं। बेटा किराए के मकान में रहना आसान नहीं होता है, मकान का किराया, बिजली का बिल, दूध, साग, सब्जी, राशन पानी खर्च, बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। पैसे तो बचते ही नहीं है, किशन का तो तुम्हें पता है, मैं तो अपने परिवार का खर्च उठा रहा हूँ, इतना ही काफी है। उसे भी भाग्य लक्ष्मी के लिए कुछ पैसे जोड़ने शुरू करने होंगे, तभी उसके अच्छी पढ़ाई लिखाई और विवाह शादी कर सकेगा। नीलू बेटा, जिम्मेदारी तो सभी को निभानी पड़ती है। नीलू ने हंसते हुए कहा, मन आपको तो बेटियों की शादी के अलावा किसी चीज की चिंता नहीं होती थी, हम तीनों बहनों की शादी की तुम्हें कितनी चिंता रहती थी। और नीलू हंसने लगी और कहने लगी, देखो हम तीनों बहनें आराम से ब्याह गई और सुख चैन से अपने घर में रह रही हैं। मैं तो कहती हूँ भाग्य लक्ष्मी भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई इसकी करवाओ ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके, फिर देखो उसके लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। सरस्वती बोली, बेटा पढ़ाई लिखाई के लिए भी तो पैसे चाहिए, उसके लिए भी तो पैसे जमा करने पड़ेंगे, कौन सा पढ़ाई आजकल फ्री हो जाती है, अच्छी पढ़ाई करवाने के लिए मोटी रकम लगानी पड़ती है, तब जाकर बच्चे किसी अच्छे पदों पर काम करते हैं। नीलू ने कहा, माँ तुम सच कह रही हो, महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, पैसों का पता ही नहीं चलता, और मम्मी सच में बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए पहले ही पैसे धीरे धीरे जोड़ लेने चाहिए ताकि जब वो कॉलेज जाए तो एकदम इतना पैसा खर्च करना मुश्किल ना लगे और माता पिता और बच्चे उसे मानसिक तनाव से भी बच जाए जो पैसे ना होने के कारण पैदा होता है। नीलू बहुत दिनों बाद अपने घर आई थी, सबसे मिलकर वो बहुत खुश हो रही थी। नीलू ने रूप के बारे में पूछा कि मम्मी रूप कैसी है, उसके दोनों बच्चे ठीक है, मुझे भी बहुत दिन से उससे बात नहीं हुई है और अब उसकी नंदोई ऋषि हमारे घर आए थे मधुलिका को गोद लेने, तब मेरी लास्ट बार बार बात हुई थी, उसकी ननंद शिवानी काफी बीमार थी, उसके बाद मैंने एक बार फोन कर रूप से मधुलिका के बारे में पूछा था, तब उसने बताया इस बच्ची के आने से मेरी ननंद और नंदोई बहुत खुश हैं। शिवानी भी धीरे धीरे ठीक हो रही है क्योंकि उसकी देखभाल के लिए मम्मी जी ने आने से काफी मदद हो गई है। सरोज जी तो खुद अपनी बेटी का बहुत ध्यान रख रही हैं। उनकी देखरेख का नतीजा है कि वो इतनी जल्दी रिकवर कर रही है, ऑपरेशन होने के बाद तो वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। सरस्वती ने बताया कि उसकी ननंद तो अब काफी हद तक ठीक हो गई है, व्हीलचेयर पर बैठी रहती है,
छोटी सी बच्ची का क्या नाम है? उसका मधुलिका, वैसी वाणी का उसका जो शिवानी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, बिल्कुल उसे माँ की तरह प्यार करती है। उसे लड़की की तो किस्मत चमक गई है। उसके पापा भी ठीक होकर उसके पास चले गए हैं। ऋषि ने अपने दोस्त का इलाज का पूरा खर्च उठाया और जब वो ठीक हो गया तो उसे अपने पास ऑस्ट्रेलिया बुला लिया है और तो वो उन्हीं के साथ रहता है। और किसी किसी बच्चे की किस्मत कितनी अच्छी होती है, नीलू ने कहा। हाँ माँ, अच्छी बात है, किसी बच्चे को माँ का प्यार मिल गया, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। और माँ बच्चे को प्यार मिल रहा है, दोनों ही खुश हैं। इंसान को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, किसी का भला करने से उसके मन की खुशी मिलती है। और सबसे अच्छी बात, दोनों बच्चे शुभम और साहिल को छोटी बहन मिल गई। देखो मम्मी, एक बच्चे के आने से कितने लोगों को खुशी मिल रही है, सरस्वती ने कहा। ये बात तो नीलू तुम सही कह रही हो, घर में बेटियां होने से ही रौनक बढ़ती है। नीलू को अपने घर आए हुए काफी देर हो गई थी। सबसे मिलने के बाद आज वो बहुत खुश थी। पापा से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि वो रात में दुकान बंद होने के बाद ही घर वापस आते थे। लेकिन नीलू खुश थी कि उसके पापा इस उम्र में भी काम कर रहे हैं और इतने एक्टिव हैं। आज नीलू ने हरी से बात करके यह महसूस किया कि हरी अपने जीवन में बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है। उसने बहुत गलतियां की हैं और उन गलतियों से सबक भी सीखे हैं। कोई भी उसे पर अब जल्दी विश्वास नहीं कर रहा है क्योंकि एक गलती करने से लोग उसे उम्र भर याद रखते हैं। नीलू अपने मन में सोच रही थी, क्यों ना हरी की दूसरी शादी कर दी जाए जिससे उसका घर भी बस जाए और अपने परिवार में वो सुख शांति से रहे। नीलू ने तुरंत फोन उठाया और गांव में ताऊजी को फोन लगाया और कहा, नमस्ते ताऊजी, और आगे की बात शुरू की। नीला ने कहा, जी आप गांव में कोई सीधी साधी साधारण लड़की हरी के लिए बता दो, हरी का भी घर बस जाएगा तो मम्मी पापा को थोड़ा आराम मिल जाएगा और वैसे भी हरी ने अपनी गलतियों से अब सबक सीख चुका है। हरी ने अपने आधे से ज्यादा कर्ज उतार दिया है, अब उसे भी अपने जीवन में सुख से जीने का अधिकार है। यदि उसे जीवन में दोबारा अच्छा जीवन साथी मिल गया तो उसका जीवन भी सफल हो जाएगा और उसका घर बस जाएगा। आखिर तू जी कब तक यूं ही हरी केला भट्टा रहेगा, ताऊ जी नील से कहा। नीलू बिटिया, थोड़ा समय दो, फिर कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर हम उसका विवाह के लिए लड़की ढूंढते हैं। लेकिन अब इसे कोई कुंवारी लड़की तो देगा नहीं, तलाकशुदा विधवाई मिलेगी। अब तुम बताओ, तुम्हें पसंद हो, तुम्हें बात करूं, नीलू बोली। तू जी पहले आपको लड़की देखना तो शुरू करो, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। अगर लड़की गरीब घर की भी होगी तो भी हमें सभी विकार हैं, हम खाने पीने का खर्च भी खुद ही कर देंगे, लड़की को चुनरी उठाकर ले आएंगे। लेकिन आपको यह अच्छे घर परिवार की लड़की बताइएगा क्योंकि हर एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा धोखा खाने की हालत में नहीं है, ताऊजी बोले। ठीक है नीलू बिटिया, हम कोशिश करते हैं। और नीला ने फोन रख दिया। राजेश नीलू की बातें सुन रहा था। फोन रखने के बाद उसने नीलू से कहा, तुम्हारे ताऊ जी बहुत धोखेबाजी इंसान है, उनके चक्कर में मत आओ, वो किसी भी अच्छी लड़की से तुम्हारे भाई का विवाह नहीं करवाएंगे बल्कि चंचल से भी बुरी लड़की के साथ तुम्हारे भाई के पल्ले बांध देंगे, फिर वो बेचारा सारी उम्र पछताते रहेगा और दूसरी शादी का कलंक भी उसके माथे पर लग जाएगा। नीलू ये काफी गंभीर मामला है, सोच विचार कर यह फैसला को नीलू राजेश की गंभीर बातों को समझ गई थी। सुशीला देवी तो अपने पोते की शादी की तैयारी में इतनी व्यस्त रहती थी, उन्हें तो किसी से बात करने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। विमल को सारा दिन अपने साथ लगाए रहती, घर का कोना काना उन्होंने अपनी आंखों के आगे साफ करवाया था। नवाजी में कोई कमी ना रह जाए इसलिए ऊपर के कमरों में खास मेहमानों को ठहरने की व्यवस्था की गई थी। कुछ मेहमानों के लिए साफ और सुविधाजनक धर्मशाला की बुकिंग कर दी थी। वैसे तो राजेश का घर काफी बड़ा था, सभी मेहमान आसानी से यहाँ रख सकते थे,
लेकिन फिर भी सुशील जी कुछ रिश्तेदारों के ठहरने का इंतजाम उन्होंने बाहरी कर दिया था। मेहमानों के लिए खाना बनाने वाली और बर्तन साफ करने वाली को भी समय से आने के लिए कह दिया था, ताकि विमल पर घर का ज्यादा बोझ ना पड़े और बिमला ऊपर के कामों को भी संभाल सके। सुशील जी को इतनी ऊर्जा से काम करते हुए देखकर नील और राजेश बात कर रहे थे। मम्मी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो बीमार है या कुछ महीना पहले उनकी हालत कितनी खराब थी, लेकिन देखो आज ऐसे भाग भाग कर अपने पोते की शादी की तैयारी में लगी है। राजेश ने कहा, क्यों नहीं, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, बेटे से भी प्यारा पोता होता है। कुछ दिनों बाद कुसुम और बिरजेश मुंबई से घर आ गए। उन्होंने ने अपने अध्यापिका की नौकरी से रिजाइन दे दिया था और वह अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसे अपने एक महीने के लिए आई थी। बृजेश को 15 दिन की छुट्टियां मिली थी। दोनों पति पत्नी ने आकर विवाह की तैयारी में अपना हाथ बताना शुरू कर दिया था। अविनाश भी कुछ दिन पहले आना चाह रहा था, लेकिन उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वो 2 दिन पहले ही आ रहा था। नीलांश भी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए आ रहा था। घर में बड़ी धूमधाम से सजाया गया था और विवाह की छोटी छोटी रीति रिवाज को घर में पूरा करने के लिए सुशीला देवी ने कहा था। बाकी के कार्य को बैंकेट हॉल में संपन्न करने की व्यवस्था की गई थी। वहाँ की व्यवस्था बृजेश ने खुद संभाल रखी थी, क्योंकि घर आए मेहमानों को संभालना भी जरूरी था। ये सारी जिम्मेदारी राजेश को सौंप दी गई थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी नजदीक आ गया। घर में मेहमानों की अब भगत शुरू हो गई। किसान और विद्या कुछ दिनों के लिए नीलू के घर आ गए थे। अविनाश और नीलांश के आने पर बहुत रौनक बढ़ गई थी। दोनों भाई बहुत समय बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। भाग्य लक्ष्मी अपनी बुआ का घर देकर खूब मस्ती कर रही थी। सुशीला देवी बार बार एनी रुद्र की नजर उतरती और ये देखकर नील सोच रही थी, वो पोते बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनका सहारा दादी के हाथों बांधा जाता है। बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में जो विवाह संपन्न होते हैं वो कितने विधि पूर्वक होते हैं। उधर वो जीते भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार विवाह की तैयारी में लगी हुई थी। कुछ दूर के रिश्तेदार और आसपास के पड़ोसियों के साथ मिलकर विवाह की सारी व्यवस्था कर रही थी। ज्यादा तामझाम बैजंती को पसंद नहीं था और वो खुद जानती थी कि इतना तामझाम और संभाल नहीं सकती। वैसे भी सुशील को अपनी सहेली की सारी परिस्थितियों से पता था। खैर, दोनों पक्षों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार विवाह की तैयारी चल रही थी। सुशील जी के घर से बैजंती का घर ज्यादा दूर नहीं था। एक की शहर में होने से दोनों को सुविधा हो गई थी। सुशील जी अपने पोते एनी रुद्र को सेहरा बांधकर गुरचड़ी की तैयारी कर रही थी। चाचा और पापा दोनों अनिरुद्ध के साथ चल रहे थे। पहले गुरचड़ी की रस्म हुई, बारात को मंदिर ले जाया गया। गणेश जी के सामने माथा टेका, सभी देवताओं के दर्शन करने के बाद बारात कुछ देर के लिए मंदिर में ही रुक गई। उसके बाद सुशील जी ने अपनी दोनों बताओं से कहा कि मेरे दोनों बहुएं मिलकर मेरे पोते की बहू को लेने के लिए जाएं और अपने पोते की बहू का घर पर ही इंतजार में करूंगी और उनके स्वागत की तैयारी करूंगी। बिमला भी अपनी बेटी के साथ बारात में चली गई। कुछ नजदीकी रिश्तेदार सुशीला देवी के साथ घर पर रुक गए थे। सुशील जी घर आकर अपनी पोत्र बहू के आने की तैयारी करने लगी। वो जानती ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर स्वागत की तैयारी कर रखी थी। बैजंती ने अपना मकान बेचकर कुछ पैसा अपनी पोती के नाम कर दिया और खुद उसके विवाह पर खर्च कर दिए और अपने लिए गांव वाला मकान रख लिया, जिसमें वह आरोही का विवाह करने के बाद जाकर रहने वाली थी। बड़ी धूमधाम से शानदार तरीके से बारात पहुंची। आरोही की सहेलियों ने बारात का भव्य स्वागत किया और रिबन कटाई की रस्म की सहेलियों ने ही उसकी पूरी की। बृजेश ने भी आरोही की सहेलियों को बिना मांगे अनिरुद्ध से शगुन दिलवा दिया। सभी दाहिने शगुन पाकर बहुत खुश थी और आरोही से कह रही थी,
जीजा जी तो बहुत अच्छे हैं। बिना बहस के इतना शगुन दे दिया। बाकी की रस्में पड़ोसी की एक महिला ने पूरी कर दी, जिसे आरोही अपनी भाभी मानती थी। बड़े सुंदर तरीके से कार्यक्रम हो रहे थे। जब गठबंधन के लिए लड़के की बहन को आवाज लगे तो उसकी छोटी नंद यानी भाग्य लक्ष्मी भागकर अपने भाई और भाभी के पास आकर बैठ गई। एनी रुद्र उसे देखकर बोला, भाग्य लक्ष्मी तुम बहुत छोटी नहीं हो। इस रस्म को निभाने के लिए भाग्य लक्ष्मी ने कहा, अगर आपके पास मुझसे बड़ी बहन है तो उसे बुला लीजिए। ये सुनकर आरोही और अनिरुद्ध दोनों मुस्कुरा रहे थे। भाग्य लक्ष्मी बोली, मैं तो जैसे, और नितेश भैया की बहन तो आपकी भी छोटी बहन हुई ना। भाग्य लक्ष्मी बड़े प्यार से बोली, अच्छा बड़े भैया अब आगे मुंह करके बैठो, मैं आपका घाट जोड़ बांध देता हूँ, मुझे बांधना आता है। भाग्य लक्ष्मी ने अपने भाई भाभी का गठजोड़ बांध दिया। जब फिर होने वाले थे तो आरोही की भाभी ने अपने पति को इशारा करते हुए बोली, आपका ही भाई का फर्ज निभाना है और फेरों की रस्म आप पूरी कीजिए। वो जानती ने अपनी पोती का कन्यादान किया जैसे विदाई का समय नजदीक आ रहा था। वो जिंती की आंखों से आंसू बह रही थी। आरोही का दिल भी रो रहा था। दादी पोती आज एक दूसरे से जुदा हो रही थी। आरोही सो रही थी, मुझे तो फिर भी पूरा परिवार मिल जाएगा, लेकिन मेरी दादी तो मेरे बिना कोई ही रह जाएगी। और सहेलियों और दादी अपनी दादी को गले लगकर आरोही बहुत रो रही थी। दादी ने कहा, बिटिया रानी अपनी ससुराल में सभी बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार देना, हमेशा सास ससुर का सम्मान, सबसे ज्यादा सुखी मेरी सखी सुशील जी को रखना, उनकी सेवा करना, और उन्हें का आशीर्वाद से तुम्हें इतना अच्छा घर परिवार मिला है और इतना योग्य जीवन साथी मिला है। वो जानती ने तारों की छाव में अपनी पोती को विदा कर दिया। दोनों बहुएं मिलकर आरोही को अपने साठकर में बैठकर घर ले आई। दरवाजे पर आते ही सुशील जी ने अपने पुत्र बहू का स्वागत की तैयारी कर दी। कुसुम ने जल्दी से अंदर जाकर सजी हुई थाली को अपने हाथों में लिया और अपने बहू बेटे की आरती उतारने लगी। स्वागत किया अपनी उन दोनों के ऊपर से वार कर पी लिया। उसके बाद बड़े आदर से जो नई बहू को घर में प्रवेश कराया। आरोही और अनिरुद्ध ने अपनी दादी माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। सुशीला देवी की अभिलाषा आज पूर्ण हो गई कि बचपन से ही आरोही और अनिरुद्ध के लिए उसने पसंद की हुई थी, और आज दोनों का विवाह के पवित्र बंधन में बंधे देखकर दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। कुसुम और नीलू बहुत खुश थी दोनों। घर में उनकी उनके बाद अब एक और नई बहू घर में आ गई थी, और बहू के आने के बाद दोनों आज सासू माँ की पदवी उन दोनों को मिल गई थी, क्योंकि उनकी भी जो बहुत ही और वह चाचा सा नीलू बन गई थी। अपनी बहू के सभी रीति रिवाज को कुसुम ने बड़ी श्रद्धा से पूर्ण करवाया। मुंह दिखाई की रस्म में सुशीला देवी ने अपने पोते की बहू को अपना बहुत ही सुंदर सोने का हार पहनकर मुंह दिखाई की रस्म को पूरा किया। ब्रिजेश और कुसुम ने बहू को मिलाकर सोने का एक सेट दिया था और हाथों में सोने के कंगन पहना दिए। नीलू और राजेश ने आरोही को मुंह दिखाई मेरी दुबई जाने की टिकट गिफ्ट में की और कहा, मेरी तरफ से तुम दोनों हनीमून के लिए दुबई घूमकर आओ। अनिरुद्ध और आरोही नीलू और राजेश के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने लगे। तभी राजेश ने दोनों को गले लगा लिया कि हम दोनों तुम्हारे चाचा चाचा हैं और घर में सबसे छोटे हैं, इसलिए तुम हमें अपने दोस्त समझो और हमारे गले लग जाओ। ने बहुत प्यार से आरोही को अपने गले लगा लिया। आरोही ने देखा अविनाश और नीलेश और नीलांश तीनों दूर खड़े हैं होकर देख रहे थे। सभी बड़ों के जाने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह अपनी नई भाभी से अच्छे से बात कर सके। कुछ देर बाद आरोही ने सभी को लिए खाने में मीठा हलवा बनाया और सबका मुंह मीठा कराया। आरोही के बने हलवे से सभी ने तारीफ की और सगुन भी दिया। तभी नीला अंश ने अपनी भाभी को बड़ी प्यारी से हाथ की घड़ी भेंट की और नीलेश ने अपनी मामी मम्मी से पूछने लगा, मम्मी मैं क्या दूं, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
ये सुनकर सभी हंसने लगे। नीलू ने कहा, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब अपनी भाभी को जो चाहे देना। अविनाश ने अपनी बड़ी भाभी को एक बड़ा सा डिब्बा गिफ्ट में दिया। उसे पर रैपिंग कागज चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रहा था कि अविनाश ने क्या दिया है। लेकिन मिला नीलेश ने, जो धीरे से अपनी भाभी से पूछा, भाभी क्या मैं एक बार खोल कर देख लो कि अविनाश भैया ने गिफ्ट में क्या दिया है। आरोही ने अपना बॉक्स नीलेश को देते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल खोल कर देखो और मुझे क्या उपहार मिला है। तुम तो मेरे सबसे लाडले छोटे प्यारे देवर हो। नीलेश ने जल्दी जल्दी उसकी रैपिंग कागज हटा दी और उसमें से बहुत सुंदर संगमरमर की राधा कृष्ण की मूर्ति निकली। उसे मूर्ति को देते हुए अविनाश ने कहा, मेरे भैया भाभी का प्यार राधा कृष्ण की तरह सदा बना रहे आरोही, और इतने सारे उपहार में सबसे प्यारा यही उपहार लगा। आरोही ने अपने देवर को गले से लगाते हुए धन्यवाद का पग फेरे की रस्म के बाद आरोही और अनिरुद्ध घर में परिवार के साथ कुछ दिन रहे। धीरे धीरे सभी मेहमान जाने लगे। ब्रजेश की छुट्टियां खत्म हो रही थी। अविनाश और नीलेश, जो नीलांश भी कुछ दिन पहले चलेगा, नीलांश के कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो गई। अविनाश भी बहुत कम छुट्टी लेकर आया था। कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध और आरोही भी अपने हनीमून के लिए दुबई चलेगा। हनीमून पर घूमने के बाद वापस आकर दाना अपनी अपनी जॉब पर वापस चले गए। अनिरुद्ध और आरोही दोनों अब अकेले पुणे में रहने रह रहे थे। कभी कभी कुसुम के पास आते, क्योंकि दोनों की नौकरी वहीं होने के कारण दोनों वहीं रहने लगे थे। दोनों सुखी दाम्पत्य जीवन का आनंद ले रहे थे। वो जानती भी अपनी पोती को सुखी देखकर भगवान का धन्यवाद कर रही थी। अनाथ बच्ची को प्रभु आपने इतना अच्छा जीवन साथी दे दिया। नीलू भी अपने ऑफिस में काफी दिनों बाद गई थी और सभी को बड़ी खुशी से मिठाइयों के डिब्बे बांट रही थी। ये देखकर प्रभा ने कहा, नीलू लगता है जैसे तुम्हारे अपने बेटे की शादी हुई है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। प्रभा बोली, अरे जेठानी के बेटे की शादी में कौन इतनी लंबी छुट्टी लेता है। नीलू ने कहा, प्रभा हमारे यहाँ परिवार संयुक्त है और सब एक दूसरे के बच्चों को अपने बच्चों के समान ही प्यार करते हैं। जिस तरह नीलेश मेरा बेटा है, इस तरह मेरी जेठानी के दोनों बेटे भी मेरे ही हैं। तुम्हारे यहाँ भेदभाव हो तो होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। और डिब्बा हाथ में पड़ा का नीलू अपने केबिन में आकर बैठ गई। सुजाता नीलू के केबिन में आई और बोली, विल दान डियर, तुमने आज पहली बार सही जवाब दिया, नहीं तो तुम प्रभा की बकवास सुनकर चुप रह जाती थी। नीलू बोली, सुजाता मैं प्रभा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन वो फालतू की बातें करती है। मेरा भी दिमाग खराब हो गया। मुझे नहीं पता कैसे उसे ऐसे बोल दिया, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है नहीं सही कहते हैं। खराब लोगों के साथ रहकर हमारे स्वभाव भी खराब हो जाता है। पर ने सारे ऑफिस को माहौल जो खराब करके रखा है। सुजाता ने नीलू का मूड बदलने के लिए कहा, छोड़ो ये बातें नहीं करते, तुम बताओ अनिरुद्ध और आरोही दोनों ठीक है ना। शादी में दोनों ही बड़े प्यारे लग रहे थे। तुम लोगों ने एक साथ एक अनाथ बच्ची को परिवार देकर बहुत अच्छा किया। समाज में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। सुजाता ने नीलू से कहा, तो मैं अपने बड़े भाई हरि का विवाह भी किसी अनाथालय में पाली बड़ी लड़की के साथ कर दो। उसे लड़की को भी परिवार मिल जाएगा और तुम्हें पुण्य भी मिलेगा और तुम्हारे भाई का घर बस जाएगा। नीलू को सुजाता का सुझाव बहुत अच्छा लगा। नीलू ने कहा, अरे लेकिन तुम्हें मेरे भाई की सच्चाई पता है ना, वो छोरी के इल्जाम में सजा कटा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को संस्था वाले अपनी संस्था की लड़की के विवाह की अनुमति देंगे। सुजाता ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मेरे पिताजी एक एनजीओ चलाते हैं। वो बहुत सारे अनाथ बच्चे वहाँ रहते हैं जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। कुछ अच्छी सकारात्मक सोच वाले परिवार तो इस तरह की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग कतराते ही हैं। तुम्हारे भाई को मैं बचपन से जानती हूँ, वो बुरा व्यक्ति नहीं है। उसकी संगत बुरी थी,
लेकिन अब वो सुधर गया है और अपने जीवन में सही राह पर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लड़का नौकरी करता हुआ होना चाहिए और तुम्हारा भाई नौकरी तो कर ही रहा है। तुम कहो तो मैं अपने पिता से बात करूं। उनके एनजीओ में बहुत प्यारी लड़कियां हैं और उन बच्चियों में से किसी एक को अपना घर मिल जाएगा। सजा ने कहा, लेकिन सुजाता ने कहा, लेकिन तुम अपने घर में पूछ लो, तुम्हारे मम्मी पापा को कोई एतराज ना हो तो वो किसी अनाथ लड़की से अपने बेटे के विवाह करने के इच्छुक हो है भी या नहीं। नीलू ने बड़ी खुशी से सुजाता को अपने गले लगाया और बोली, तुम जल्दी से जल्द अच्छी लड़की मेरे भाई के लिए ढूंढो। मैं शादी के लिए पापा मम्मी को मना लूंगी। मेरे घर भाई का घर बस जाएगा तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा, नहीं तो अकेलेपन के कारण कई बार इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और फिर से गलातकारियों में फंस जाता है। घर पहुंचकर शाम को नीलू ने राजेश को सारी बात बता दी और कहा कि प्लीज आप मेरे साथ चलो, मम्मी पापा आपकी बात नहीं टलते और वैसे भी आपको कन्विंस करना बहुत अच्छे से आता है। राजेश ने कहा, नीलू मुझे नहीं लगता पापा मम्मी इस तरह की लड़की को जो अपने बेटी का विवाह उसे करना चाहेंगे। नीलू ने कहा, तभी तो तुमसे बोल रही हूँ कि आप उन्हें समझा सकते हैं, आपकी बात समझ जाएंगे और की बात तो मानेंगे ही। देखो हरी अब सुधर गया है, अगर इस वक्त उसको संभालने वाला कोई मिल जाए तो उसका जीवन सवार जाएगा, नहीं तो कहीं दोबारा वो अकेलेपन के कारण किसी बुरी संगत में ना फंस जाए और वो भी अकेले रहते हुए निराशा की ओर बढ़ रहा है। सभी को अपने परिवार के साथ देखकर उसका मन उदास हो जाता है। उसका घर बस जाएगा तो मैं भी खुश हो जाऊंगी और वो भी खुश रहेगा। जब नकारात्मक विचारों से हमारा मन भरने लगता है तो हमें सकारात्मक विचार समाप्त होने लगते हैं। इसलिए मुझे हरी की चिंता हो रही है। सुजाता ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, अगर मम्मी पापा मान गए तो हरी का घर बस जाएगा और उसे अनाथ लड़की को परिवार रहने को मिल जाएगा और उसे भी बेचारी को परिवार का सुख मिल जाएगा। राजेश को नीलू की बात समझ आ रही थी, लेकिन राजेश सोच रहा था इस बात के लिए मम्मी पापा को कैसे मनाएं। राजेश ने आज नीलू के साथ उसके घर जाने का फैसला कर लिया। दोनों जब घर पहुंचे तो पापा घर पहुंच चुके थे। राजेश ने ससुर जी को प्रणाम करके उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। श्याम प्रसाद जी बोले, सदैव सुखी रहो। सरस्वती दोनों के लिए चाय बनाकर ले आई थी। नीलू माँ के पास आकर बैठ गई थी। राजेश ने धीरे से बात से रोक, पापा एक बहुत अच्छी लड़की मैं और नीलू ने हरी के लिए पसंद किया। राजेश बोल, पापा आप चंचल को तो क्या मुंह लेकर जो वापस आएगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम हरी की दूसरी शादी कर दें। श्याम बाबू बोल, बेटा कौन पिता देगा अपनी बेटी इस नालायक को, जीते जी मक्खी कोई नहीं का निगलने चाहता। सभी को हरी की सच्चाई के बारे में पता है, उसकी चाल चलन पहले कैसा था, उसकी सभी को जानकारियां। राजेश ने पूछा, सब कुछ जानने के बाद भी कोई अपनी बेटी की शादी हरी के साथ कर दे तो आप राजी होंगे तो? श्याम बाबू बोल, क्यों नहीं बेटा, जरूर करूंगा। राजेश ने उसे गोवाले के बारे में सारी जानकारी दे दी और सुजाता के प्रस्ताव के बारे में बताया। ये सुनकर श्याम बाबू सोने लगे, लेकिन साथ बैठी सरस्वती ने कहा, बेटा मेरा बेटा इतना गया गुजरा नहीं है कि हम किसी अनाथ लड़की से शादी करने, जिसके घर बार का कुछ अता पता नहीं उसके माँ बाप कैसे थे, क्या करते थे, कहीं किसी की नाजायज औलाद तो नहीं है, भगवान ऐसी लड़की से रिश्ते करेंगे, हम अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे और मेरे बेटे के। तभी श्याम बाबू गुस्से में बोले, शुक्र करो कि कोई अनाथ बच्ची तुम्हारे नालायक बेटे के साथ शादी करने को तैयार है, जिस पर चोरी का ठप्पा लगा हुआ है, चोरी के इल्जाम में जय हो चुकी है, जेल से रिहा होकर आए, मुलजिम के लिए समाज में कोई जगह नहीं होती, किसी लड़की के दिल में तो क्या जगह होगी, फिर भी कोई लड़की तुम्हारे इस नालायक बेटे के लिए शादी के लिए हाँ कर दे तो भगवान का शुक्र मनाओ।
इसलिए सरस्वती तुम तो चुप ही रह जाओ। ये सुनकर सरस्वती तो बिल्कुल चुप हो गई। नीला चुपचाप बैठी थी। पापा को इतने गुस्से में उसने पहले कभी नहीं देखा था। राजेश ने माहौल को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा, सुनो मम्मी पापा, लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, घर गृहस्थी में संभालने के काबिल है और एनजीओ में हर तरह के बच्चे होते हैं और कोई बच्चा जन्म से अनाथ नहीं होता। कुछ मजबूरी बस अनाथ बना दिए जाते हैं। समाज में कौन बच्चा अनाथ रहना चाहता है? सबको माँ बाप का प्यार अच्छा लगता है, लेकिन इन बच्चों को माँ बाप का प्यार नसीब नहीं होता। अगर हम लोग इन अनाथ बेसहारा नाजायज कहेंगे तो समझ में कौन इन्हें स्वीकार करेगा? राजेश ने कहा, मम्मी जी वो लड़की चंचल से तो कई गुना अच्छी होगी, कम से कम उसे परिवार की अहमियत होगी। माँ बाप का प्यार जो उसे नहीं मिला, वो आप लोगों से उसे मिलेगा तो उसके दिल को कितना शगुन मिलेगा। मम्मी जी हमेशा समाज में अच्छा करना चाहिए। अगर आज हरी को चोरी के कारण नौकरी नहीं मिली तो उसकी कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता। लेकिन होटल के मालिक ने हरी पर भरोसा करते हुए उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। हमें भी अच्छा सोचना चाहिए राजेश की बात सुनकर धोना पति पत्नी ने राजेश से माफी मांगते हुए कहा, बेटा हमें माफ करो, तुम हमारे बेटे के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आए हो और मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है और तुम्हारा बताया हुआ रिश्ता तो कभी खराब हो ही नहीं सकता। मैं तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ। तुमने हमारे परिवार का हमेशा भला ही सोचा है। मेरे बेटे ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया, लेकिन तुम फिर भी उसकी मदद कर रहे हो, उसका घर दोबारा बसाने की बात कर रही हो। तुम्हारा दिल कितना साफ और पाक है। राजेश, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली सोचा हूँ कि मुझे तुम जैसा दामाद मिला। मुझे तुम्हारे बताए रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। बेटा हमारी तरफ से हाँ समझो। श्याम बाबू से हाँ सुनने के बाद नीलू और राजेश दोनों बहुत खुश थे। दोनों उनसे मिलने के बाद वो वापस घर आ गए और आते ही नीलू ने सुजाता को फोन लगाया कि मेरे मम्मी पापा तैयार हैं। उन्हें कोई एतराज नहीं है। तुम कोई अच्छी लड़की बताओ, सुजाता बोली। ऐसा करो तुम दोनों कल दोपहर में मेरे पास आ जाओ, कल मैं घर पर ही हूँ, किसी काम के लिए ऑफिस से छुट्टी ले रखी है तो मैं तुम्हें अपने साथ गोले चलूंगी, कुछ लड़कियों से तुम्हें मिलवा दूंगी। तुम्हें बातचीत के बाद जो लड़की अच्छी लगे उसे हरी के लिए पसंद कर लेंगे और साधारण तरीके से एनजीओ में ही शादी संपन्न करवा देंगे। नीलू ने कहा, ठीक है तुम्हारे पास हम कल मिलने आएंगे। ये कहकर नीलू ने फोन रख दिया और राहत की सांस ली। अगले दिन नीलू और राजेश हरी के साथ एनजीओ में चले गए। साथ ही श्याम बाबू और सरस्वती भी आ गए थे। सुजाता ने अपने पिता ने उन्हें दो लड़कियों से मिलवाया। एक का नाम कविता था, दूसरी का सुनीता। एक कर एक्सीडेंट में अपने माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उनके रिश्तेदारों ने दोनों बहनों को इस एनजीओ में भेज दिया था। फिर दोबारा मुड़कर कभी उन्हें मिलने या देखने नहीं आए। सुजाता के पिता ने इन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। दोनों बहनें पढ़ने में होशियार हैं और घरेलू कार्य में निपुण हैं। वैसे भी अनाथ बच्चे होते हैं, अपने काम खुद करने की वजह से वे सारे काम करने सीख जाते हैं। श्याम बाबू को कभी तो बहुत पसंद आई। उन्होंने कविता से काफी देर बातचीत की। श्याम बाबू को लड़की पसंद आ गई। श्याम बाबू ने हरी से पूछा, बेटा तुम्हारा लड़की पसंद है? हरी ने भी हाँ कह दिया। हरी बोल, मुझे भी कविता अच्छी लगी। दोनों बहनों का व्यवहार बहुत बढ़िया था। उनकी बातचीत से ही उनके संस्कार होने का जो अच्छा स्वभाव का अंदाजा लगाया जा सकता था, वो किसी अच्छी माता पिता की संतान होगी। मजबूरी वास्तव यहाँ पाली बढ़िया है। सुजाता के पापा को ही पापा बोल रही थी। कुछ देर बाद श्याम बाबू ने कविता से भी हरी के विषय में पूछा तो कविता बोल, बेटा मेरा हरी पसंद है तुम्हें तो? कविता ने शर्माते हुए हाँ में से हिला दिया। सुजाता के पिता ने उन्हें इस हफ्ते की रविवार आने को लिए बोल दिया था कि
वो हर बच्ची की शादी है ही संपन्न करते हैं और कविता की विदाई भी इसी गो से होगी। अगले रविवार नीलू का परिवार और श्याम बाबू का परिवार गो समय पर पहुंच गया। बड़े साधारण तरीके से कविता और हरी का विवाह करवा दिया। कविता को विदा करते हुए सुजाता के पापा ने समझाया, बेटा अब यही तुम्हारे माता पिता हैं। इनका आदर सदैव करना, अपनी सेवा से इनका दिल जीत लेना, ये किशन और विद्या है। तुम्हारे देवर और देवरानी यह नील और राजेश है। तुम्हारे नंद और नंदोई, इन दोनों के प्रयासों से ही तुम्हें ये परिवार मिला है। सुजाता के पापा ने नील और राजेश दोनों का आभार व्यक्त किया और कहा, अगर आप जैसे अच्छे व्यक्ति दुनिया में हो तो कोई बच्चा नाथ नहीं हो सकता। सभी बच्चों के पास अपना परिवार होगा। कविता की विदाई होने पर सुनीता रोने लगी। श्याम बाबू ने कहा, बेटा रोटी नहीं हो, अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम हमें अपना परिवार समझो। तुम जब चाहे अपनी दीदी से मिलने आ सकती हो। दोनों बहन एक दूसरे के गले मिली और कविता विदा होकर श्याम बाबू के घर आ गई। श्याम बाबू ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर छोटा सा प्रति भोज का जो सभी बता दी सभी को बता दिया था कि उनके बेटे का विवाह हो गया है। आसपास के लोगों ने श्याम बाबू के इस कार्य की सराहना की और बड़ी धूमधाम से नई बहू का स्वागत किया। सरस्वती भी कविता जैसी सुंदर, सुशील, समझदार बहू पाकर खुश थी। आखिर इस बुढ़ापे में और क्या चाहिए, उनके बेटे का घर बस गया और बहू भी अच्छी मिल गई। सुशीला देवी ने नील और राजेश के इस कार्य की बड़ी सराहना की कि मेरा प्यारा बेटा हर किसी के दुख सुख में शामिल हो जाता है। ईश्वर इस लंबी उम्र दे और इसके बच्चे हमेशा सफलता प्राप्त करें। जीवन भर नीलांश और नीलेश को अपने माता पिता का प्यार मिलता है। कई बार कहते हैं ना कि माँ की दुआएं खाली नहीं जाती। अगर माँ का आशीर्वाद मिलता रहे तो इंसान का जीवन सुखी रहता है। सबको एक समान अधिकार मिले और समान का अधिकार जो माता पिता की नजरों में अपनी औलाद सब समान होती है। सुशीला देवी अपने बहू और बेटे से बहुत खुश रहती थी कि उनका बेटा और बहू कितने गुणवान और संस्कारी हैं, सभी की मदद करने वाले इंसान हैं। इस बार इन दोनों को किसी की नजर ना लगे क्योंकि हर कोई उनकी तारीफ करता था। नीला और राजेश की जोड़ी तो राधा कृष्ण जैसी थी। हर किसी की मदद के लिए दोनों तैयार रहते। सब रिश्तेदार भी राजेश के स्वभाव की बहुत प्रशंसा करते थे। आज हरी ने यह बात स्वीकार कर ली थी। सच में उसकी दीदी और जीजाजी उसकी भलाई चाहते हैं। हरिया आज तक अपनी दीदी और जीजाजी को गलत समझता आया था, लेकिन असलियत में वो खुद गलत था। उसकी दीदी और जीजाजी तो उसकी भलाई के लिए उसे डांटे और समझते थे। काश उसने उसे समय उनकी बात मान ली होती, आज वो भी कृष्ण की तरह किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा होता। उसकी लापरवाही और बदतमीजी का नतीजा यह है कि होटल में वो वेटर बनकर काम कर रहा है। हरी यही सोच रहा था कि कविता ने बड़े प्यार से पूछा, आप क्या सोच रहे हैं और किस बात की चिंता कर रहे हैं? कहीं आप मेरे साथ शादी करके पछता तो नहीं रहे हैं कि आपने एक अनाथ लड़की से शादी कर ली? हरी बोल, कविता तुम्हारे आने से तो मेरा जीवन बदल गया है। तुम्हारे आने से मुझे आगे बढ़ाने और जीने की प्रेरणा मिली है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया, लेकिन कितने कम सदनों में तुमने जिंदगी को जीना सीखा। और एक मैं था, मेरे पास सब कुछ था, परिवार, माता पिता, भाई बहन, लेकिन मैं किसी की पर भी भरोसा नहीं किया। मेरी वजह से सभी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़े। मेरे कारण मेरे माता पिता को अपमानित होना पड़ा, और अगर मैं पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया होता तो आज मैं अच्छी जगह पर काम कर रहा होता। ये कहकर हरी की जो आंखें डबडबा आ गई। हरी को वेटर का काम करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वेटर के अलावा कोई और कामों से मिल भी तो नहीं रहा था। कविता ने कहा, अब आप अपनी पिछली जिंदगी की बातें भूल जाइए। अब जिंदगी में हम दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे
और गलती सबसे होती है। आपसे भी हुई है, कविता ने कहा, लेकिन आपने अपनी गलती को मानते हुए खुद में सुधार किया है ना, और यह सबसे अच्छी बात है। कविता ने हरी से पूछा, मैं अपना घर में सिलाई का काम शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर नौकरी पर जाऊंगी तो मम्मी जी घर में अकेली रह जाएगी। वैसे भी मुझे बड़ी मुश्किल से माँ मिली है और मैं अपनी माँ पर पूरा समय देना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ। हरी बोल, तुम कितनी अच्छी सोच की हो कविता, तुम कितना अच्छा सोचती हो। इतने बुरे माहौल में रहने के बाद भी तुम नहीं बिगड़ी, तुम्हारा स्वभाव, बातचीत कुछ भी खराब नहीं हुआ, और एक मैं हूँ। परिवार में सब कितने अच्छे थे, लेकिन मैं तमीज से बात भी करना नहीं सीख सका। अच्छा व्यवहार बहुत दूर की बात, कविता ने कहा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बाहर खड़ी सरस्वती उन दोनों की बातें सुन रही थी और मनी मन खुश हो रही थी कि राजेश ने कितनी अच्छी, अच्छा जो रिश्ता कराया, कितनी अच्छी बहू हमें मिल गई है। इतनी अच्छी बहू तो मैं अपने बेटे के लिए जो कभी ढूंढ ही नहीं पाती। कविता कितनी समझदार है, अब मुझे अपने हरि की कोई चिंता नहीं है, आप उसे संभालने वाली आ गई है। सरस्वती अपनी बहू की मनसा जान चुकी थी। कविता बहू घर में रहकर कुछ काम करना शुरू करना चाहती थी, इसलिए उसने मकान मालकिन से पूछा, क्या उसकी बहू अपना सिलाई का काम शुरू कर सकती है। पहले तो मकान मालकिन ने थोड़ी आनाकानी कर रही थी, लेकिन कविता के अच्छे स्वभाव के कारण मालकिन का व्यवहार परिवर्तित हो गया था और वो उससे परिचित हो गई थी। कुछ दिनों में कविता ने अपना सभी का मन जीत लिया था। घर के काम के साथ साथ वो कुछ कढ़ाई सिलाई करती रहती थी। कविता का अच्छा व्यवहार सभी का दिल जीत लेता था, इसलिए मकान मालकिन ने कविता को काम शुरू करने के लिए मना नहीं किया, बल्कि उसने कहा, तुम घर के बाहर भी बोर्ड लगा दो, जिसको अपने कपड़े सिलवाने होंगे या कुछ बनवाना होगा तो तुमसे बनवा लिया करेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। सरस्वती बहुत बहुत सच में बहुत अच्छी बहू मिली थी। कविता धीरे धीरे अपना काम जमा रही थी और साथ में हरी को भी अपने साथ काम सीखने लगी। हरी को खुद नहीं पता था कि वो स्टिचिंग में इतना कुछ जल्दी सीख जाएगा। उसने कविता के साथ रहते कटिंग में अपना हाथ सेट कर लिया और परफेक्ट कटिंग करना सीख गया। अपने बेटा बहू को मिलकर काम करते देखकर सरस्वती भी संतोष की सांस ले रही थी। आखिर उसके बेटे के जीवन में एक अच्छी जीवन साथी आ गई थी, जिसने उसे संभाल लिया था। उधर नीलेश कॉलेज के सेकंड ईयर में आ गया था और नील इस 10वीं कक्षा की परीक्षा देने के बाद फ्री हो गया था और अब अपने मम्मी पापा से रोज कहीं घूमने जाने की जिद कर रहा था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अकेले घूमने जा सकता हूँ। मेरे सारे दोस्त अकेले घूमने जा रहे हैं, हम सब दोस्तों ने ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम बनाया है, प्लीज पापा मैं दोस्तों के साथ घूमना चाहता हूँ। नीलेश बहु जिद कर रहा था और अपने पापा की बात भी मानने को तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन राजेश ने साफ कर दिया कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि अकेले घूमने जाओ, जहाँ जाएंगे हम साथ जाएंगे, अभी कुछ दिन रुको फिर हम सब साथ घूमने निकलेंगे। नीलेश गुस्से में बोला, पापा सबके साथ बहुत मुश्किल है, कभी आपके ऑफिस की छुट्टी नहीं होती, कभी मम्मी के ऑफिस की छुट्टी नहीं होती, कभी दादी बीमार हो जाती है तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। प्लीज पापा आप मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाने दो, सबके साथ घूमने के चक्कर में मेरी छुट्टियां खराब मत कीजिएगा, और मेरे दोस्तों के साथ कोई भी अपनी फैमिली का मेंबर नहीं जा रहा है, सब सोलो ट्रिप कर रहे हैं, अकेले प्लीज पापा मुझे जाने दो। इतनी जियट करने पर राजेश ने कहा, ठीक है, शाम को मम्मी आएगी, फिर बैठकर बात करते हैं। राजेश जो कुछ देर के लिए अपने बेटे को शांत कर दिया था, लेकिन राजेश समझ चुका था कि नील सुनने वाला नहीं है, वो घूमने की जिद कर रहा है। तभी सुशीला देवी ने राजेश को और नीलेश को जाने दो बेटा कह दिया, तुम भी तो कितने घूमते थे अपना समय, भूल है क्या, तो मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें कितना समझते थे।
तुम अभी छोटे हो लेकिन तुमने अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते थे ना, अब तुम्हारे बच्चों का समय घूमने दो। तब सुशील जी बोली, जब मैं कुसुम के पास मुंबई गई थी, मुंबई में मैंने कई बच्चों को अकेले घूमने जाते हुए देखा था और बच्चे इस शहर में से दूसरे शहर अकेले घूमने चले जाते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चों के लिए घूमने जाते हैं। नीलेश तो फिर भी अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। ऐसा करो राजेश, तुम भी इन सबको सबके साथ चले जाओ, तुम्हारी भी शायर हो जाएगी मधुर। एक काम करो बेटा, तुम भी जो नीलेश के साथ चले जाओ, तुम भी घूम आओ। तब राजेश कहने लगा, मम्मी नीलेश लोकल घूमने की बात नहीं कर रहा है, वैसे शहर से बाहर ऋषिकेश जाने की बात कर रहा है और उसके दोस्तों के साथ मैं क्या करूँगा, उसके दोस्त भी मुझे देखकर अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। पता नहीं क्यों नीलेश के पिता जियट करने पर भी राजेश, जो बार बार नीलेश को जाने के लिए मना कर रहा था, जैसे किसी अनहोनी का डर उसे भयभीत कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ बुरा घटित होने वाला है। राजेश का मन बड़ा विचलित हो रहा था। राजेश ने नीले से कहा, अच्छा शाम को जब मम्मी आएगी तो, मम्मी ने हाँ कर दी तो फिर मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। शाम को नीला और राजेश दोनों चाय पी रहे थे, तभी नीलेश ने दोबारा पूछा, पापा आपने फिर क्या सोचा है? राजेश बोला कि, बारे में नीलेश ने गुस्से में कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। वो मुंह बनाकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। तब राजेश ने नीलू को सुबह वाली सारी बात बताई कि ने अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश जाने की जिद कर रहा है, अब तुम ही बताओ मैं इस अकेले कैसे भेज सकता हूँ। ये तो एक बात की जियट पकड़ कर बैठ गया। नीलू कुछ बोलती है, उससे पहले ही फोन की घंटी बाजी फोन ने लॉन्च का था। राजेश ने बात करने लगा, तब नीलम नीलेश के कमरे में गई और उसे प्यार से समझने लगी कि, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकती हूँ। नीलेश गुस्से में बोला, मुझे पता था आप ही पापा की तरह बोलेंगे, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मेरे सारे दोस्त छुट्टियों में घूमने के लिए जा रहे हैं और मैं अकेला घर में पड़ा बोर हो रहा हूँ। कई बार बच्चों की जिद के आगे माता पिता मजबूत हो जाते हैं और कहते हैं ना बोल है के आगे तुम्हारी यशोदा भी परेशान हो गई थी, अपने लल्ला को समझाते समझाते थक गई थी और बाल गोपाल बाल है किया जा रहे थे, चांद को खिलौना समझकर मांग रहे थे। आखिरकार नीलू ने फैसला किया, उसने कहा कि, प्रॉमिस करो कि इस वीकेंड पर मैं तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ ऋषिकेश में लेकर जाएंगे, तुम्हारे दोस्तों को भी अपने साथ ले चलेंगे। नीलेश जल्दी से बिस्तर से उठकर बैठ गया और अपनी मम्मी से कहा, पक्का प्रॉमिस, आप झूठ तो नहीं बोल रही, मुझे मनाने के लिए चुप करने के लिए तो नहीं बोल रही। नीलू बोली, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हम अकेले जाने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं कि पहाड़ी इलाका है, पहली बार इलाके में जा रहे हो, वहाँ पर राफ्टिंग की जाती है, मुझे पता है तुम्हें स्विमिंग का शौक है तो इसलिए जाने की जिद कर रहे हो, इसलिए हम दोनों तुम्हें अकेले नहीं भेजना चाहते, तुम सुरक्षित रखने के लिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे। नीलेश मुस्कुराते हुए बोला, मामा मैंने स्विमिंग में कितने प्राइस जीते हैं आपको पता है ना, फिर आप डर क्यों रही हैं, तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है, एक बार मैं गंगा की लहरों के साथ तैरना चाहता हूँ, उन लहरों के साथ उड़ना चाहता हूँ, उनके लहरों के बहाव में बहन चाहता हूँ। नीलू ने कहा, लेकिन हमारी नजरों की सामने हमारी देखरेख में ठीक है। ऐस सुनकर नीलेश ने मम्मी को अपने गले से लगा लिया। दरवाजे पर खड़ा राजेश और उसकी माँ सुशीला बेटे की बातें सुनकर बोला, अब खुश हो, अब तो तुम्हारी जियत पूरी हो गई। नीलेश भागकर अपने पापा के गले लग गया और बोला, थैंक यू पापा। राजेश ने कहा, आजकल नीलेश बहुत जिद्दी हो गया है, अपनी जिद पूरी भी करवर कर ही मानता है, मुझे तो कई बार इसकी जिद से घबराहट होती है। नीलू बोली, बच्चे तो जियट करते ही हैं, तभी तो उन्हें बच्चे कहते हैं। नीलू
और राजेश ने कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी। सुशीला देवी और उनका पोता नीलेश दोनों बहुत खुश थे कि दोनों ऋषिकेश की यात्रा पर जा रहे थे। सुशीला देवी ने कहा, मैं तो गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों घूम कर आऊंगी। भगवान की बड़ी कृपा है कि अपने पोते और पुत्र के साथ धार्मिक यात्रा पर जा रही हूँ। नीलू ने विमल को घर का ध्यान रखने के लिए कहा तो विमला ने कहा, दीदी आप सब जा रहे हो, घर में बहुत सन्नाटा हो जाएगा मुझे और या को दोनों को घबराहट होगी। विमल बोली, आप एक कम कीजिए, अपने भाई किसान और विद्या भाभी को कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने को बोल दीजिए, हमें भी सहारा हो जाएगा और घर में अकेले मुझे डर भी नहीं लगेगा। बहुत बहुत बड़ा घर है और आप लोगों के जाने की बात तो सुनसान लगता है। नीलू बोली, ठीक है विमल, मैं अपने भाई को बोल देता हूँ, मैं और भाभी और बच्चों के साथ यहाँ रह लेगा और बाकी लक्ष्मी के साथ रह लेना, तेरी बेटी का दिल भी लग जाएगा, भाग्य लक्ष्मी तेरी गुड़िया सच में अच्छी दोस्त बन जाएगी। नीला ने अपने भाई किशन और भाभी विद्या को भाग्य लक्ष्मी के साथ कुछ दिन अपने घर पर रहने आने के लिए बोल दिया। कृष्ण ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, विमला दीदी से कह देना मैं कुछ दिन के लिए आपके घर आ जाऊंगा। वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। राजेश ने रिजर्वेशन करवा लिया था, रेलगाड़ी से जाने की व्यवस्था कर ली थी और बाद घूमने के लिए जो बाहर घूमने के लिए किराए पर गाड़ी और गाइड की व्यवस्था भी कर ली थी ताकि मम्मी जी को घूमने में परेशानी ना हो, क्योंकि सुशीला देवी घुटनों के दर्द के कारण ज्यादा चल नहीं पाती थी। उधर नीलेश के बचपन के पक्के दो दोस्त रोहतास और शशांक दोनों अपने उसके साथ जा रहे थे। दोनों के माता पिता राजेश और नीलू से उसका ध्यान रखने के लिए बोल रहे थे। राजेश ने कहा, अरे बहन जी, इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए तो हम इन दोनों उनके साथ जा रहे हैं, अकेले भेजते हमें भी डर लग रहा था, इसलिए हमने उनके साथ जाने का प्रोग्राम बना लिया और मम्मी जी की भी तीर्थ यात्रा हो जाएगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा, जाने का दिन भी नजदीक आ गया। नीला इस बड़ी जोर शोर से जाने की तैयारी कर रहा था, उसने अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी रख लिया था। नीलेश की दिली ख्वाहिश थी कि वो एक बार गंगा की लहरों पर तैरकर उन लहरों से पर उड़ना चाहता है। उसने न जाने कितनी चीज देखने की और करने की योजना बना ली थी। खैर, तीनों दोस्तों घूमने का और दर्शनीय स्थान का देखने का सारा प्रोग्राम पहले ही तय कर चुके थे। सुशीला देवी भी अपना सामान लगा रही थी। नीलू को अभी क्या बहू, तुम भी अपना सामान लगा लो। नीला ने कहा, मम्मी सामान काम से कम रखना, काम सामान होगा तो हमें वहाँ घूमने फिरने में आसानी हो जाएगी। सुशील ने पूछा, क्यों तुमने होटल बुक नहीं किया है क्या? नीला ने कहा, क्या है मम्मी जी, लेकिन यहाँ से ट्रेन में जा रहे हैं ना, और ट्रेन से ही वापस आएंगे तो सामान काम लेना ही बढ़िया रहेगा, ज्यादा सामान के साथ यात्रा करना परेशानी का सबब बन जाती है। कई दिनों से बिल्ली के कुछ बच्चे सुशीला देवी के गार्डन में पता नहीं कहां से घुस आए थे और हर रोज उन्हें बाहर करती और रोज ही बच्चे घर के अंदर घुस आते और उनकी मेयों से सुशीला देवी का सिर दर्द हो रहा था और नीलेश उन्हें दूध बिस्किट खिला रहा था। सुशीला देवी ने कहा, बिल्लियों का आना घर में अच्छा नहीं होता, नीलेश बेटा इन मनहूस बिल्लियों को घर से बाहर रखो। पता नहीं क्यों सुशीला देवी को बिल्लियों का जो बिल्कुल पसंद नहीं थी, कभी बिल्ली रास्ता कट जाती तो सुशील जी वापस मुड़ जाती थी और अपनी दादी को ऐसा देखकर नीलेश खूब हंसने लगता। नील से अपनी दादी से कहता, पता है दादी, कल बिल्ली मुझसे यही कह रही थी कि इंसान इंसान उसका रास्ता कट जाते हैं तो बिल्ली का दिन खराब हो जाता है। दादी पोती पोते अक्सर मजाक करते रहते थे। नीलेश अक्सर अपनी दादी के अंधविश्वास को वैज्ञानिक तरीकों से समझा समझा कर दूर करता रहता था। अगले दिन सुबह सभी लोग ऋषिकेश जाने के लिए स्टेशन पहुंच चुके थे। सब बहुत खुश थे। नीला भी बहुत सालों के बाद परिवार के साथ घूमने जा रही थी क्योंकि ससुर जी के देहांत के बाद तो मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी।
इसी कारण कहीं घूमने का प्रोग्राम ही नहीं बना। किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का भी मम्मी जी को जो कभी मानी नहीं कर, लेकिन नीलू खुश थी कि इस बार मम्मी जी को उनके साथ आने के लिए तैयार हुई है। सभी गाने गाते हंसी मजाक करते हुए हरिद्वार पहुंच गए। वहां से उन्होंने गाड़ी की और होटल पहुंच गए। होटल में सामान रखने के बाद सभी ने नाश्ता किया। थोड़ी देर आराम के बाद राजेश ने कहा कि तुम सब लोग तैयार हो जाओ और गाइड हमें घूमने के लिए आ रहा है। गाइड बाहर इंतजार कर रहा था। सभी लोग जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर बाहर की तरफ आ रहे थे। नीलेश अपने दोस्तों के साथ अपना सामान लेकर कर तक तो पहुंच गया और उसके बाद अपनी दादी को अपने साथ लेकर आया। उसका सामान अपने हाथों में उठा लिया। वह सारा सामान उसने गाड़ी में रख दिया और अपनी दादी के साथ बैठ गया। नीला और राजेश रूम को लॉक करके चाबी काउंटर पर देखकर मैं आकर बैठ गई। सभी लोग पहाड़ी इलाकों का आनंद लेते हुए बड़े खुश हो रहे थे। नीचे ऊंची नीची पगडंडियों पर बने सुंदर घर सभी का मन मोह रहे थे। नीचे तलहटी पर बहती हुई गंगा की धारा ऐसे लग रहा था कि साथ साथ चल रही है। हर तरफ हरे भरे पौधों से सजी खूबसूरत धरती जो खूबसूरत लग रही थी। लीची और आड़ू से लगे लड़े हुए पेड़ न जाने कितने पेड़ दिखाई दे रहे थे। नीलेश बोला, पापा देखो कितने सारे लीची के पेड़ दिखाई दे रही है। मैंने तो पहली बार लीची लगी हुई देखी है। रोहतास बोला, अंकल क्या हम गाड़ी कुछ देर के लिए रोक सकते हैं? मुझे लीची के पेड़ नजदीक से देखने राजेश ने कहा, बेटा अभी रास्ते घुमावदार हैं। कहीं स्टॉप होगा तो वहाँ पर देखेंगे। लीची के पेड़ रोहतास बेटा, लीची के पेड़ तो पूरे हरिद्वार में है, हर जगह में देखने को मिलेंगे। देख लेना, पहले गंगोत्री देखने गए। गंगोत्री धाम में मंदिर के दर्शन करने के बाद सुशीला देवी काफी थकान महसूस कर रही थी। राजेश ने वही रुकने का इंतजाम किया और अगले दिन यमुनोत्री के दर्शन के लिए निकल पड़े। नैना मंदिर, सिम मंदिर, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी देख मनसा देवी का मंदिर बहुत सुंदर था। दर्शन करके सभी का मन भक्ति में हो गया था। अगले दिन सभी का प्रोग्राम हर की पैड़ी पर जाने का था। सुशीला देवी ने कहा, हरिद्वार आ गए हैं और गंगा जी नहाकर ना जाए तो ये कैसे हो सकता है? हर की पौड़ी पर गंगा स्नान तो करना ही चाहिए, तभी इस यात्रा का पुण्य में मिलेगा। तो नीलेश ने कहा, दादी फिर मैं तुम्हें गंगा में तैर कर दिखाऊंगा। सुशीला देवी ने कहा, नहीं बेटा, गंगा में तैरते नहीं है, स्नान करते हैं। गंगा का स्नान पवित्र स्थान माना जाता है और गंगा का बहाव इतना तेज होता है कि गंगा के किनारे ही लोग स्नान करते हैं, बीच में कोई भी नहीं जाता। हर की पौड़ी पर तो वैसे भी बहुत बहन जो बहुत तेज होता है। बेटा वहां तैराकी करना सुरक्षित नहीं है, किसी दूसरी जगह अपना तैयार करने का शौक पूरा कर लेना। गंगा घाट पर स्नान करते हैं, दान और तर्पण करते हैं, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सुनकर नीलेश का मूड खराब हो गया और तब से वो मंदिरों के दर्शन कर करके थक गया और उसके दोस्त भी अपना मौज मस्ती करने के मूड में आ गए थे। वो कहने लगे, अंकल या तो आप हमारे साथ चलो राफ्टिंग करने, नहीं तो हम अकेले चले जाएंगे। ये सुनकर राजेश ने कहा, अरे राफ्टिंग करने सब चलेंगे, तुम्हारी आंटी भी तुम्हारे साथ चलेगी। नीलू ने कहा, ना बाबा मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो किनारे पर बैठकर देखूंगी, तुम सब राफ्टिंग कर लेना, वो वापस आओगे और मैं वापस आने तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन राफ्टिंग करने उसे नाव में मैं नहीं बैठ सकती, मुझे तो बहुत डर लगता है। तभी सुशील जी ने कहा, ठीक है हम लोग किनारे से तुम्हें देखते रहेंगे। तुम लोग राफ्टिंग कारण अगले दिन सुबह सभी लोग घर की पौड़ी पर स्नान करने के बाद वही मंदिरों के दर्शन करके और खाना खाने के बाद होटल में चलेगा। गंगा किनारे कुछ दूरी पर एक ढाबा बना हुआ था, वहीं पर बैठकर सभी ने खाने का आनंद लिया। उसके बाद राफ्टिंग के लिए गाइड के साथ आगे चल दिए।
राफ्टिंग पॉइंट काफी दूर था। पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। राजेश ने वहां पर चार लोगों की बुकिंग कराई। रोहतास, सत्संग मधुर और खुद राजेश चारों की बुकिंग होने के बाद गाइड ने उन्हें पहले 20 से 25 मिनट ट्रेनिंग दी गई कि कैसे बैठता है, कैसे राफ्टिंग में नाव कैसे चलना है और कहां तक राफ्टिंग करनी है। राफ्टिंग के लिए दूरी निश्चित की गई थी। उसी दूरी के बाद वापस आ जाते हैं। अगर हम निश्चित दूरी से आगे जाएंगे तो हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारे डूबकर मर जाने का खतरा है, इसलिए सबको सावधानी बरतना जरूरी है। सारी बातें गाइड उन्हें समझा रहा था। सभी बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। तभी जो नीलसन ने अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया और उसके ऊपर लाइफ सेविंग जैकेट भी पहन ली थी। नीलू सभी की तस्वीर ले रही थी। नीलू को अब अपने मनपसंद कुछ करने का मौका मिला। तीनों बच्चे बहुत खुश थे। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद सभी उसे राफ्टिंग नाव में बैठ गए और बट हिचकोले खाती हुई ऊपर नीचे होकर जो चलने लगी। गंगा की लहरों के साथ चल रही थी। नीलेश तो इतना आनंद आ रहा था, उसका मन भर भर लहरों पर तैरने को कर रहा था। गाइड ने नीलेश को एक्साइटमेंट देकर कहा, बेटा यहाँ नहीं, मैं तुम्हें एक और जगह दिखता हूँ, वहाँ तुम तैराकी कर सकते हो। अभी ध्यान से राफ्टिंग का आनंद लो। सबको सुरक्षित क्राफ्टिंग करवाना ही हमारा अकाउंट है, इसलिए तुम सब बच्चे नियमों का पालन करो और खुद को सुरक्षित रखो। राफ्टिंग करने के बाद सभी सकुशल वापस आ गई। नीलू बहुत खुश थी कि बच्चे खुश हैं। बच्चों को एक्साइटमेंट चीज हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती हैं। बड़े बुजुर्गों को तीर्थ स्थान पर आकर धार्मिक मंदिर घूमना अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को तो अपनी उम्र के उन अनुसार ही चीज करना अच्छा लगता है। नितेश ने गाइड से कहा, एन अंकल आप हमें स्विमिंग के लिए लेकर जाएंगे। गाइड ने कहा, लेकिन वहाँ अगर तुम मेरी बात मानोगे तभी लेकर जाऊंगा। अगले दिन गाइड होने स्विमिंग के लिए गंगा के किनारे लेकर चला गया। चारों तरफ पहाड़ियां फैली हुई थी। सुंदर बाग नदी बड़ी तेज गति से हिचकोले खाती हुई तेज गति से बह रही थी। राजेश, नीलू, सुशीला देवी वहां पर बैठ गए। तीनों बच्चों ने अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने और तैरने के लिए चल दिए। बाग बहुत तेज था। गाइड ने कहा, जहां हम ड्रम लगे हुए हैं उससे आगे आपको नहीं जाना है, उससे आगे रास्ता खतरनाक है, डूब जाने का डर है, तुम्हारी जान को खतरा है। ड्रम से इस तरह तुम जितना चाहे इस तरफ कितना भी स्विमिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भाव कम है। जो नील से बड़ी तेज गति से तैराकी कर रहा था, गंगा की लहरों के साथ कदम से कदम मिलाकर उड़ता हुआ छलांग मारता हुआ तैराकी किया जा रहा था। राजेश और नीलू उसकी फोटो खींच रहे थे। गाइड ने उन्हें माइक से निर्देश दे रहा था और सभी उसके आदेश अनुसार तैराकी कर रहे थे। अचानक नीलेश के मन में आया, क्यों ना ड्रम से उसे पर एक चक्कर लगाकर आए। ड्रम के ऊपर लिखा था खतरा। नीलेश ने उसे अनदेखा कर दिया। नीलेश बड़ी तेज गति से आगे निकल गया। गाइड उसे चिल्ला चिल्ला कर आवाज दे रहा था, उधर मत जाओ, उधर खतरा है। गाइड के चिल्लाने की आवाज सुनकर राजेश को घबराहट होने लगी। वो तेजी से भागता हुआ नीलेश की तरफ दौड़ने लगा और बोल, कोई उसे बचाओ। वो क्यों जा रहा है उधर? गाइड ने कहा, सर मेरी बात नहीं सुन रहा है, देखो खतरे के निशान को पार करके आगाज आगे चला गया है, वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। राजेश ने भी दौड़ लगाते हुए नीलेश को 3-4 बार जोर से चीख चीख कर कहा, नीलेश आगे मत जाओ, नीलेश आगे मत जाओ। नीलेश ने पापा के हाथ को इशारा किया कि वो चक्कर लगाकर वापस आएगा। नीलेश और तेज गति से बढ़ाने की कोशिश करने लगा। किसी अनहोनी के डर से गाइड जो घबराकर नील के पीछे तेजी से तैर कर जो नील इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। सुशीला देवी और नीलू की तो जान निकल गई। दोनों ही वहां खड़ी हुई भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये भगवान नील सुरक्षित वापस आ जाए, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है।
निलेश की जिद उसे इतने बड़े संकट में डाल देगी। ये तो निलेश को भी नहीं पता था। गंगा के तेज बहाव में तेजी से बहता चला जा रहा था। उसे रोक पाना अब नामुमकिन था, क्योंकि अब निलेश तैर नहीं रहा था। गंगा की लहरें उसे बाहर कर अपने साथ ले जा नहीं थी। अब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और बचाव बचाव की आवाज लग रहा था। उसकी आवाज सुनकर कुछ बिना सोचे समझे राजेश भी गंगा में कूद गया। अपने बेटे और पोते को गंगा में डूबता हुआ देखकर सुशीला देवी का हृदय व्यथित हो गया। वो जोर जोर से रोने लगी कि कोई तो मेरे बच्चों को बचाओ, कोई तो मेरे बच्चों को बचाओ। नीलू भी हाथ पैर मार रही थी। दोनों किन किनारे पर खड़ी सिर्फ दोनों को डूबते हुए देख रही थी। राजेश बिना लाइफ जैकेट के टायर रहा था और किसी तरह अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गंगा नदी का बहाव इतना तेज था कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। जब तक बचाव दल के सदस्यों की टीम उनके पास पहुंची, तब तक दोनों बाप बेटा भागकर बहुत दूर चले गए थे। देखते ही देखते नीला की आंखों के सामने दोनों बाप बेटा ना जाने कहां गायब हो गए थे। नदी के बहाव में कहां जाकर दोनों गायब हो गए, देखते ही देखे आंखों से ओझल हो गए। दोनों सास बहू रोटी पीटते वहीं बैठी रही और दोनों ही फूट फूट कर रो रही थी। आज दोनों ने अपना सब कुछ खो दिया था। सुशीला देवी बार बार अपने माथे पर हाथ रखकर कह रही थी, हे ईश्वर मुझे उठा लेता, मेरे बच्चों को तो बख्श देता, मेरे बच्चों ने तो अभी जिंदगी भी नहीं देखी। इतनी निर्दयता से भगवान एक अच्छे इंसान को अपने पास बुलाकर क्या मिल जाएगा। मेरी बहू ने तो जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और रोते हुए विलाप किया जा रही थी और बार बार अपने हाथों को माथे पर रखकर माथा पीट रही थी। अनहोनी को कौन टाल सकता है, जब दुखों का पहाड़ टूटा है तो चारों ऐसे ही अचानक से जो जिंदगी में बदलाव आ जाता है और दुखों के बदले गिरा आते हैं, सब कुछ एक साथ छीन कर ले जाते हैं। आज राजेश और नीलेश दोनों इस दुनिया से विदा हो चुके थे। रोहतास और सत्संग को दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। उनके सबसे अच्छा दोस्त आज उनसे बढ़ गया। अब तो अपने दोस्त के साथ वह एंजॉय करने, मौज मस्ती करने आए थे। ये सब क्या हो गया? इस घटना ने जिसको देखा वही हैरान और परेशान और आश्चर्यचा। रह गया कुछ, चलो पहले सारा परिवार की हंसी खुशी से गंगा किनारे बैठे आनंद से मौज मस्ती कर रहे थे कुछ पल पहले, और अचानक ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नीला इस यात्रा में अपना सब कुछ खो चुकी थी, पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया था। राजेश के बिना जीना उसने के लिए तो नामुमकिन था। उसने एक भयानक ख्वाब खुली आंखों से देखा था और देखकर भी वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसे बार बार लग रहा था शायद राजेश जिंदा है और अभी वो वापस आएगा और उसे रहेगा। नीलू देखो, निलेश को बचा लाया। तुम बेवजह चिंता कर रही हो, हम दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन कई बार हकीकत कुछ और होती है। नीलू ने हकीकत को अपनी आंखों से देखने के बाद भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने आज अपने पति और बेटे दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। अभी भी वो उम्मीद लगाए बैठी थी, शायद मैं दोनों को वो कहकर दूर चले गए और कुछ देर बाद वो वापस आ जाए। वो यही सोच रही थी कि कुछ देर बाद मेरे पति बेटे को लेकर आ जाएंगे। नीलू का दिमाग तो सुन हो गया था। खुद को संभालते संभालते कि अपनी सासू माँ को संभाले या अपने बेटे और पति की लाशों को ढूंढने जाए, उसका दिमाग घूम रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके जीवन में इतना बड़ा कष्ट कहाँ से आ गया। कुछ देर पहले सब कुछ ठीक था और कुछ ही पल में सब कुछ बर्बाद हो गया। जीवन का सबसे मजबूत सहारा ही समाप्त हो गया। राजेश को खोना यानी खुद को खोना था। उसके जीवन का तो एकमात्र सहारा राजेश ही था। इसके सारे अपना दुख सुख काट सकती थी और आज वैसा हर ईश्वर ने उसे छीन लिया।
नीलू तो ठगी सी खड़ी थी और शांत हो गई। गंगा की लहरों को देख रही थी। कुछ समय पहले गंगा की लहरें कितनी तेज बहाव से बह रही थी और अब सब कुछ छीनकर कितनी शांत शीतल नदी बन गई थी। इस हादसे ने नीला के भीतर तक तोड़ दिया था। उसे इस वक्त कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, ना दिखाई दे रहा था। वह तो पागल सी हो गई थी। बहुत देर तक नील और सुशीला देवी नीलेश और राजेश के आने का इंतजार करती रही। वहीं गंगा किनारे बैठी रही, लेकिन जब रात हो गई तो उन दोनों का कुछ अता पता नहीं चला, तो दोनों दुखी मन से होटल वापस आ गई। रोहतास और ससंग बहुत दुखी थे। दोनों ने ऐसा हादसा देख लिया था जो उन्हें जीवन भर नहीं भूलेगा। नीलेश को बचाते हुए गाइड भी गंगा की लहरों में न जाने कहां खो गया था। वापस जाने के 2 दिन बचे थे। 2 दिन बाद की रिजर्वेशन थी। अगर राजेश और नीलेश के साथ हादसा नहीं हुआ होता तो शायद सारा परिवार खुशी खुशी अपने घर वापस जाता। नीलू ने 2 दिन वहीं होटल में रुकने का तय किया। सुरक्षा टीम दोनों के शवों को खोजने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगले दिन सुरक्षा टीम और पुलिस कर्मचारियों को बहुत दूर तक गंगा के किनारे दोनों के सब अस्त व्यस्त अवस्था में मिले। दोनों का पोस्टमार्टम होने के बाद दोनों के सब नीलों को सौंप दिए। हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से दोनों के सबको घर भेजने की व्यवस्था की गई। नीलू इस वक्त संसार और रोहतास को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। दोनों ही डरे सहमे हुए थे, इसलिए उन्होंने टैक्सी बुक करके दोनों बच्चों को साथ लेकर घर वापस आ गए। घर आते ही नीला की रुलाई छूट गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। इतना भयानक हादसा दोनों ने अपनी आँखों से देखा था। वो इतना हादसा दोनों की आँखों से ओझल नहीं हो रहा था। बहुत ही भयानक हादसा था। विमल तो ये घटना सुनकर हैरान रह गई। राजेश भैया और नीलेश तो बहुत ही अच्छी स्विमिंग आती थी। दोनों को इतनी अच्छी तरह की आने के बाद वो दोनों कैसे डूब गए? श्याम बाबू और सरस्वती को जैसी सारी घटना का पता चला। दोनों टूटे बिखरे से अपनी बेटी के घर पहुंचे और दुखी मन से नीलू को अपनी छाती से लगाकर रोने लगे। हे भगवान, आपने क्या कर दिया? मेरी बेटी का तो घर ही बर्बाद हो गया। किशन और विद्या दोनों के दिल को इस घटना ने व्यथित कर दिया था। दोनों का राजेश के साथ बहुत गहरा संबंध था। राजेश दोनों के सुख दुख में हमेशा शामिल होता था और राजेश की मेहनत थी कि आज किसान इस मुकाम पर था कि आज अपने परिवार को खुद संभाल सके। परिवार से अचानक 2 लोगों का एक साथ मृत्यु के मुंह में चले जाना परिवार को बख्र दिया था। राजेश और नीलू तो परिवार में रीढ़ की हड्डी थे। कुसुमा हादसे से हिल गई थी। शहर में जिसको भी राजेश की मृत्यु को समाचार मिला, उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। इतनी छोटी सी उम्र में राजेश की ने जो जिंदगी कॉल अलविदा कह देगा, किसी ने सोचा नहीं था। और इसके सभी कर्मचारी उसके घर शोक प्रकट करने आए थे। नीलू को देखकर सभी की आंखें भर आई। दोनों पति पत्नी में कितना प्रेम था। दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। एक दूसरे के प्रति ईमानदार थे। कैश इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहती। सुजाता जैसे घर पहुंची, नीलू को गले लगाकर रोने लगी। पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई। हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर गया। सुजाता नीलू को संभालने में लगी हुई थी, लेकिन नीलू तो किसी चीज की होश में ही नहीं थी। देवी और प्रवीण ये खबर सुनते ही नीलू के घर पहुंच गए। आकाश और रूप भी ऑस्ट्रेलिया से भारत आने की व्यवस्था करने लगे। इस कर खबर ने हर तरफ कोहराम मचा दिया था। इस दुखद हादसे ने सभी का हृदय दुखी कर दिया था। अनिरुद्ध और आरोही यह खबर सुनते ही दंग रह गई। अपने सबसे प्यारे चाचा को खोने के बाद अनिरुद्ध खुद को संभाल नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से आरोही ने दोनों की बुकिंग की और वे घर पहुंच गए। मनुष्य के जीवन में कितना भी बड़ा दुख आ जाए, लेकिन जीवन के क्रियाकलाप तो चलते रहते हैं। किसी के जाने से संसार नहीं रुकता। संसार के सहारे काम वैसे ही चलते रहते हैं,
और हर मनुष्य को सांसारिक और सामाजिक दायित्व को पूरा करना पड़ता है। सामाजिक दायित्व त्योहार किसी को पूरे करने होते हैं जो आया उसे जाना है। राजेश की अंतिम क्रिया की तैयारी बिरजेश ने बड़ी दुखी मन से कर रहा था, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते अब घर का सारा भार उसी के कंधों पर आ गया था। कभी वो नीलू को समझाना, कभी मन को समझा जाता, लेकिन दोनों को समझने में असफल रहता। बृजेश सोच रहा था कि क्या कहकर उन्हें डांस बनाए। दोनों ने इस हादसे को मैं जो अपना सब कुछ खो दिया। नीलू की दशा तो इस समय पागलों जैसी हो गई थी। उसकी बहन देवी भी पहुंच चुकी थी।